हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस बेहतरीन चैनल पर। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज निश्चय की सीरीज में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आज हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, उसके बारे में बात करते पहले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है बेटा कि हम क्लास 12th की फिजिक्स के जो दो चैप्टर्स है एक साथ हम उसे कंप्लीट करेंगे। ये एक पूरी यूनिट है जिसमें पहला जो चैप्टर है बेटा वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। और दूसरा वाला जो है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, सेकेंड वाला जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस नाम से पाया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से। तो हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। और तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि इस वाली पूरी क्लास में हम लोग सारी चीजें थ्योरेटिकली कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये आपका हो गया थ्योरी लेक्चर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका थ्योरी लेक्चर, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है, इसमें लगभग 25-30 टोटल टॉपिक्स हैं बेटा। तो थ्योरी लेक्चर होगा और कल सुबह 6 बजे, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा जल्दी है लेकिन कोई बात नहीं, आपको उठना पड़ेगा। देखो, अगर कुछ हासिल करना है जीवन में, आगे बढ़ना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको कल सुबह 6 बजे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रैक्टिस क्लास के लिए उठकर बैठना पड़ेगा बेटा, ठीक है। स्पेशल क्लास में होगी बेटा प्रैक्टिस क्लास और वहां पर हम करेंगे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस बेटा, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे कल की क्लास में सुबह 6 बजे, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो चलो शुरू करें। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है पहले बताइए। नहीं, कैपेसिटर साथ में नहीं होगा बेटा, कैपेसिटर साथ में नहीं होगा। आज हम इसमें दो चैप्टर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और दूसरा होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों एक साथ करेंगे क्योंकि इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर पढ़ने में ना ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ आ सकती है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, हाथ के साथ अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, तो दोनों के फॉर्मूलास को कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होती है। दैट इज व्हाई यहां पर मैं इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ाऊंगा। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर केवल पढ़ाता तो बहुत जल्दी खत्म कर सकते थे, फिर ये सेकंड चैप्टर के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती बेटा। इन दोनों को एक साथ मर्ज करते हैं और प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यस, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अरे क्या बात है, परफेक्ट, सही है चैंपियंस, सही है। मैं भी जो है आपके साथ साथ मेरी खुद की क्लास देख रहा हूं यूट्यूब पर, ठीक है कि है ना। यस, चलो, हाउ द जोश एक बार बता दो फटाफट से चैट सेक्शन में, हाउ द जोश। स्पेशल क्लास कहां पर होगा बेटा, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है बेटा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, नीट यूजी, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है, आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। सुबह 6 बजे बेटा हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे आप लोगों से कल, ठीक है। हां जी, एक्स्ट्रा क्लास का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा बेटा। एक्स्ट्रा क्लास का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है माही सर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा माही सर। वहां पर हम लोग ये सारा काम करने वाले हैं। यस, चलो, नोट्स बनाना है क्या, दो बातें हैं, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। आप चाहे तो नोट्स बना भी सकते हैं और आप चाहे तो अलग से यहां से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बेटा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर ऐसे राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स नजर आएंगे इस क्लास के साथ, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको इस क्लास के नोट्स डाउनलोड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। यस एवरीवन, क्लियर है, सब बढ़िया है, चल ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। बहुत प्यारा यूनिट है, बहुत सिंपल यूनिट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है। यहां से हम कहानी को शुरू करेंगे और हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ समझते चलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। कहीं पर भी अगर कोई मास है तो ये उसी के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होगी बेटा, ठीक है, जिसकी वजह से मैटर क्या करते हैं, मैटर शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कोई भी मैटर अगर है बेटा, तो मैटर क्या शो करता है, मैटर अगर शो कर रहा है इलेक्ट्रिक
एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसके पीछे का रीजन कौन है? इसके पीछे का रीजन होगा बेटा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी बेटा? ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, थोड़ा सा राइटिंग के लिए माफ करिएगा, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी चीज है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है बेटा यहां पर नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें बच्चों, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कितना होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू होती है प्लस 1.6 इनटू में 10 रेस टू द पावर माइनस 19 यहां पर कूलम्ब। एवरीवन, फिर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए स्मॉलेस्ट नेगेटिव कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव होता है बच्चों चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है माइनस 1.6 इंटू में 10 रेस टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। यहां पर ये आप सी वर्ड क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज दिस कूलम्ब एक्चुअली मींस बेटा? तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। क्या यूनिट होता है बेटा? कूलम्ब। इन ऑर्डर टू गिव ऑनर टू मिस्टर कूलम्ब, हम इसको ये जो है कूलम्ब और ये कूलम्ब कौन सी होते हैं बेटा? एसआई यूनिट होता है। कैसा यूनिट होता है सर? एसआई यूनिट होता है। तो अगर आपको सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट दो अलग अलग बातें हो सकती है बेटा, ठीक है, और कई बार हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो एक यूनिट होता है सीजीएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इस चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है, जिसे हम कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एंड बच्चों, वन ESU इज इक्वल टू 3.36 इंटू में 10 रेस टू दी पावर माइनस 10 कूलम्ब होता है। ये आपको नंबर ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, विच इज चार्ज ओवर वन इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज ओवर प्रोटॉन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम यहां पर बात करें सर किसी भी मैटर की, तो मैटर के पास क्या होता है सर? मैटर के पास बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी एटम्स होते हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। एटम की अगर हम बात करें, तो एटम के पास तीन पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जिससे ये एटम बनता है। प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इनके पास होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बहुत बढ़िया। जिसके पास चार्ज कितना होता है बेटा? E के बराबर होता है। जो ये आपका न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, इनका जो चार्ज वैल्यू वो जीरो हो जाता है बेटा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिनके पास चार्ज माइनस ई होता है। अगर आप बात करेंगे प्रोटॉन का चार्ज अगर एमपी है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज भी नियर अबाउट एमपी हो जाएगा बेटा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या होता है बेटा? वो यहां पर होता है लगभग यहां पर आप ऐसा कह सकते हैं कि वेरी 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 लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना दोस्तों, वो लगभग 1840 गुना या 1800 का कह दीजिए आप, 1840 या 1800 गुना टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 1800 टाइम्स मोर मैसिव होता है अप्रोक्सीमेटली। मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ह्यूज एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अगर इतनी बातें पता है तो फिर आप बहुत बढ़िया खेलने के लिए तैयार हो सकते हैं बेटा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट इसका कूलम्ब में होता है, एसआई यूनिट होता है बेटा। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3.36 इनटू में 10 रेस टू द पावर माइनस 10। ये सीजीएस यूनिट है बेटा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नेगेटिव, सारी बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर चार्ज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जिन पर बेस्ड नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो जिन जिन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस आने के चांसेस है, मैं बस उन्हीं को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहां पर समझेंगे सर, आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हेडिंग डालेंगे बेटा किसकी? यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एवरीवन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हेडिंग डाला आप लोगों ने। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर बेटा एडिटिविटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर एडिटिविटी। पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी एडिटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिविटी बेटा? जब आप एडिटिविटी की बात कर रहे होते हैं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है,
चार्ज किसी क्वांटिटी पर, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर एक सिस्टम, एक बॉडी के पास बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, और आपसे कोई पूछे कि बताइए नेट चार्ज क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे इस तरह का सिस्टम है, इसके पास चार्ज Q1 भी है, चार्ज Q2 भी है, चार्ज Q3 भी है, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे सर नेट चार्ज का मतलब हो जाता है Q1 पॉजिटिव माइनस Q2 नेगेटिव, और फिर यहाँ पर आप बोलेंगे सर प्लस Q3 आपका पॉजिटिव, तो Q1 माइनस Q2 और प्लस यहां पर आप लिखेंगे Q3। एडिटिव प्रॉपर्टी यानी कि चार्ज को सीधा सीधा उठाकर आप एज इट इज ऐड कर दीजिए। एग्जांपल के तौर पर आप यहां पर अगर देखेंगे बच्चों, एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी के पास चार्ज Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम्ब है और एक चार्ज Q2 इज इक्वल टू माइनस का 2 माइक्रोकूलम्ब है, बताइए व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी। तो आप बोलोगे सर प्लस का 5 और फिर इसको प्लस करेंगे किसके साथ, माइनस 2 के साथ, प्लस माइनस माइनस होगा, सो करेक्ट आंसर वुड बी कितना बेटा, 3 माइक्रोकूलम्ब। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन सीख लीजिए, मैंने क्या कहा है कि हम निश्चय में पढ़ रहे हैं बेटा और हर एक बात मुझे आप लोगों को सिखानी है, ठीक है। ऑल्दो आज हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आपकी कल होगी सुबह 6 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, ठीक है। यस एवरीवन, क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम सब करते रहना ताकि मुझे समझ में आ जाए बेटा कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, ठीक है। एडिटिविटी समझ में आ गई सभी लोगों को, ठीक है। एडिटिविटी के बाद में आता है दूसरा बेटा यहाँ पर, सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज कंजर्वेशन। क्या होता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझ लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा यूज में आता है पूरी क्लास 12th की फिजिक्स में बेटा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो चार्ज इनिशियल है वही चार्ज यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, फाइनल होना चाहिए। क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल। इफ यू कंसिडर दिस एंटायर यूनिवर्स एज अ सिस्टम, तो इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बेटा। अगर आप बात करेंगे किसकी, क्यू की, तो इसको क्या लिखेंगे सर, ये लिखा जा सकता है कि सर कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते, कैन नॉट बी क्रिएटेड। दूसरा क्या लिखेंगे बेटा, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी में और क्या पॉइंट लिखे हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। ये तो समझ में आ गया कि चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बट बच्चों चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन की बात करें तो मैं वो पूरी कवर कर रहा हूं, इसके बाद आपको एनसीईआरटी 110% पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट बच्चों यहां पर क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो समझेगा, चार्ज्ड पार्टिकल्स कैन बी यहां पर क्या होगा बेटा, कैन बी क्रिएटेड। हम चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं एंड डिस्ट्रॉय ऑल्सो, और हम उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड ऑल्सो बेटा, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल से आपका मतलब क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, समझने में आसानी होगी। तो बेटा अभी रिसेंटली हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था गामा पार्टिकल्स के बारे में, और ये गामा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ये गामा पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रल। इन गामा पार्टिकल्स को अगर आप 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हो तो ये गामा पार्टिकल्स टूट जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में बेटा, एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो सकते हैं, और यही पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिकंबाइन होकर गामा पार्टिकल बना सकते हैं। तो न्यूट्रल मेरे पास पार्टिकल था, मैंने चार्ज्ड पार्टिकल्स बना लिए, मैंने चार्ज पार्टिकल्स बना लिए बेटा, समझ में आ रही बात। एक क्या बना मेरे पास, इलेक्ट्रॉन बना, एक क्या बना मेरे पास, पॉजिट्रॉन बना। इसके पास चार्ज माइनस ई, इसके पास चार्ज प्लस ई, दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो नेट चार्ज फिर से क्या आएगा बेटा, जीरो। तो कंजर्वेशन ये बताता है कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट, बट चार्ज पार्टिकल को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑपोजिट नेचर के बनते हैं बेटा, ठीक है। जितना प्लस उतना माइनस, एज अ होल अगर आप देखोगे तो अभी भी वैल्यू आपकी जीरो ही है टोटल चार्ज की, ठीक। यहां तक सबको समझ में आया,
बहुत बढ़िया, तो नोट करते चले साथ में, अदरवाइज आप लोगों को नोट्स मिल भी जाएंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और अब हम एंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा क्या बोलता है क्वांटाइजेशन का यूनिट, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम काउंट करते हैं, ठीक है, और वो डिस्क्रीट वैल्यूज में होती है बेटा। कैसी होती है? डिस्क्रीट वैल्यू में। सबसे बेस्ट एनालॉजी जिसका मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और वो एग्जांपल मुझे बहुत पसंद आता है बेटा। ठीक है, तो एग्जांपल मेरा ये है कि मान लीजिए अगर मैंने यहां पर लिया, ठीक है, लेट अस सपोज दैट आई एम टेकिंग अ क्लासरूम का एक एग्जांपल बेटा। मैंने यहाँ पर क्या लिया, कमरा लिया, जस्ट अ रूम। ठीक है, ये क्या है मेरे लिए, एक रूम हो गया। तो हमने बोला कि सर ये हमारा रूम हो गया, रूम नंबर क्या बोलेंगे सर, 101, रूम नंबर 101। मैंने यहाँ पर बोला कि इस कमरे में कितने लोग हैं, मैंने कहा कि इस कमरे में कितने लोग हैं बेटा, इस कमरे में कितने लोग हैं, तो आपने कहा कि सर इस कमरे में अभी कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे सर देर आर थ्री पीपल, देर आर थ्री पीपल, एम आई राइट एवरीवन, तीन लोग इस कमरे में अभी पाए जाते हैं। बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर लोगों की संख्या, इस कमरे में आने वाले लोग मान लीजिए और अंदर आ रहे हो या बाहर जा रहे हो, और इसमें एक छोटा बच्चा, एक छोटा बेबी अंदर आ जाए, ठीक है, एक छोटा बेबी अंदर आ जाए, तो अब यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल, चाहे बच्चा छोटा हो, आज ही जन्म क्यों ना लिया, अगर वो इस कमरे में आ जाएगा तब भी आप बोलोगे नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल जब आप लिखते हो ना बेटा, क्या लिखते हो, जब आप लिखते हो सर नंबर ऑफ पीपल, तो आप हमेशा क्या लिखते हो, आप हमेशा ऐसे लिखोगे, या तो लिखोगे तीन पीपल, या तो आप लिखोगे ऐसा बेटा तीन पीपल, या फिर आप लिखोगे ऐसा चार पीपल, राइट। आप जो भी लिख रहे हो इसमें, या तीन, या चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ऐसे आप हमेशा एक चीज लिख रहे हो सर, n इंटू में वन पीपल। कैन आई से लाइक दिस बेटा, यस और नो, n इंटू में वन पीपल, एक व्यक्ति मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ व्यक्ति, इज दैट क्लियर। और ये जो n है आपका, ये n हमेशा कैसा होगा बेटा, ये n हमेशा आपका इंटीजर होगा, ये n हमेशा आपका इंटीजर होगा। अरे भाई आप किसी भी व्यक्ति को ये थोड़ी ना कह सकते कि यार ये आधा व्यक्ति है, किसी भी इंसान को आधा करना संभव नहीं है, किसी भी इंसान को आधा करना संभव नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि तीन पूरे और एक आधा, साढ़े तीन व्यक्ति इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, साढ़े तीन व्यक्ति इज नॉट पॉसिबल, सवा तीन व्यक्ति इज नॉट पॉसिबल। तो जैसे यू कांट डिवाइड अ पीपल, यहां पर ये वन पीपल क्या बेटा, दिस इज यूनिट, दिस इज द यूनिट बेटा, इसे हम क्वांटा कहते हैं, दिस इज द यूनिट, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्वांटा कहते हैं। ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा इन द फ्रेम रहूं बेटा, क्योंकि ये पता नहीं ब्लर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। सिमिलरली उसी तरह से मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी है, और इस ऑब्जेक्ट और बॉडी में अगर मान लीजिए हम इसको चार्ज कर रहे हैं By sending some electrons, बेटा क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को या तो बॉडी में डालते हैं या इलेक्ट्रॉन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो दो तरीके से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, आइदर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन और बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को एड करते हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, अगर आप बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हो तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहां पर अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर होंगी, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे, आप क्या लिखेंगे सर, टोटल चार्ज ओवर दिस बॉडी इज इक्वल टू एन इंटू में, आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप ऐसे लिखेंगे सर प्लस माइनस एन इंटू में ई, जहां पर ई को हम क्या कहेंगे बेटा, ई को हम कहेंगे क्वांटा, ई को हम क्या कहेंगे बच्चों, ई को हम कहेंगे क्वांटा ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे दोस्तों, क्वांटा ऑफ चार्ज कहेंगे। प्लीज बी केयरफुल, दिस इज जस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बेटा। और यहां पर एन आपका क्या होगा, एन होगा इंटीजर, एन क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा। माने कि अगर मैं कहूं कि क्यू इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ ई, तो आप बोलोगे नॉट पॉसिबल। अगर मैं कहूं कि क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ ई, आप बोलोगे नॉट पॉसिबल। सर चार्ज जो ई है ना, जैसे यहां पर आप यू कांट डिवाइड अ पीपल, सिमिलरली आप यहां पर क्वांटा ऑफ चार्ज को, जिसकी वैल्यू कितनी होती बेटा, 1.6 इनटू में 10 रेस टू द पावर -19 कूलम, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते।
है ना। तो यहां पर वही बात हो रही है कि 3/2e नहीं होगा, 1/3e नहीं होगा, 0.48e नहीं होगा, q is equals to कोई आपको ऐसे बोलेगी यार 0.48 times of e हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फ्रैक्शंस में और डेसिमल में वैल्यूज आर नॉट अलाउड एंड मस्ट भी कैसा होना चाहिए बच्चों, इंटीजर होना चाहिए। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। प्लस माइनस लगा दो ताकि प्लस चार्ज हो तो प्लस ए नहीं, माइनस चार्ज हो तो माइनस ए नहीं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है, सभी लोगों को क्लियर है कि सर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्वांटाइजेशन समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं रिसेंट स्टडीज की दुनिया में बेटा। ठीक है, तो रिसेंट स्टडीज में क्या पता चला उसके बारे में बात करते हैं। रिसेंट स्टडीज ने ये पता लगाया कि जो आपका प्रोटॉन है, कौन है बच्चों, जो आपका प्रोटॉन है, ठीक है, हमने कहा है तो प्रोटॉन, ठीक है, ये और जो आपका न्यूट्रॉन है बेटा, कौन है साथ में, और आपका न्यूट्रॉन, ठीक है, हमने कहा इन दोनों को क्या हो गया, तो प्रोटॉन को तोड़ा गया और तोड़कर देखा गया तो ये भी तीन पार्टिकल से मिलकर बन रहा है। न्यूट्रॉन को तोड़ा गया और तोड़ा गया तो देखा कि ये भी तीन पार्टिकल से मिलकर बन रहा है। जैसे हमने सबसे पहले पार्टिकल्स को समझा था कि ये सबसे छोटे हैं, बाद में पता चला कि नहीं, पार्टिकल के भी टुकड़े हो सकते हैं, फिर हमें पता चला एटम्स के बारे में, फिर जब हमने एटम को तोड़ा तो पता चला कि यार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये और छोटे पार्टिकल्स हैं। रिसेंट स्टडीज ने और ज्यादा एडवांसमेंट में बात करी और कहा कि देखो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, और जिसमें ये ब्रेक होते हैं इनको हम कहते हैं बेटा क्वार्क्स, ठीक है, कैन बी ब्रेक, यहां पर क्या हो सकता है बेटा, तो यहां पर कैन बी ब्रेक इनटू, किसमें ब्रेक किया जा सकता है, कैन बी ब्रेक इनटू, और जिसमें ब्रेक कर सकते हैं उनका नाम है बेटा, उनका नाम है क्वार्क्स पार्टिकल। क्या कहते हैं हम उनको, क्वार्क्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन भी ब्रेक हो सकता है और आपका प्रोटॉन भी ब्रेक हो सकता है। अच्छा, प्रोटॉन के पास टोटल चार्ज कितना होता है बेटा, ई के बराबर होता है। न्यूट्रॉन के पास टोटल चार्ज क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। वेरी गुड। तो यहां पर जो क्वार्क्स होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं बेटा, दो तरह के क्वार्क्स आपको पाए जाएंगे, एक को लिखा जाएगा अप क्वार्क और दूसरे को लिखा जाएगा बेटा डाउन क्वार्क। अप क्वार्क रिप्रेजेंटेड बाय यू, डाउन क्वार्क रिप्रेजेंटेड बाय डी। जो अप क्वार्क होता है बेटा उसके पास जो चार्ज होता है वो होता है 2e/3, अरे वाह, और जो डाउन क्वार्क होता है उसके पास चार्ज होता है बेटा माइनस का e/3। अब ये देखते ही आप लोगों के मन में एक डाउट आना चाहिए, और डाउट ये आना चाहिए कि अभी तो आपने कहा कि 2/3 into e पॉसिबल नहीं है, 1/3 into e पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये दोनों वैल्यूज कैसे पॉसिबल हो पा रही है भैया, थोड़ा सा ये बता दीजिए, है ना एवरीवन, ये दोनों वैल्यूज कैसे पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर आ जाइए, ये प्रोटॉन जब टूट रहा है तो एक नहीं बहुत सारे क्वार्क पार्टिकल में टूट रहा है, तीन क्वार्क पार्टिकल में टूट रहा है, तो ये प्रोटॉन इस तरह से टूटना चाहिए कि टोटल चार्ज हमेशा ई के बराबर मेंटेन रहे। इसीलिए बेटा यहां पर बनता है एक यू, दूसरा यू और तीसरा बेटा डी। UUD बनता है प्रोटॉन, ये एम्स में सवाल आ चुका है, UUD बनता है, क्या बनता है, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर आपका प्रोटॉन बनता है। और सिमिलरली न्यूट्रॉन की अगर हम बात करेंगे बेटा तो ये बनता है एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से, किससे बनता है बेटा, दो डाउन क्वार्क से। देख सकते हैं आप यहां पर चाहे तो भाई अप क्वार्क के लिए रिजल्ट क्या आएगा, 2e/3, इसके लिए रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 2e/3, इसके लिए रिजल्ट क्या आएगा बेटा, माइनस का e/3। इन सब को आप जोड़ कर देखोगे आंसर आपको e मिलेगा, 2e/3 + 2e/3 - e/3, डेफिनेटली आंसर e के बराबर आएगा। तो अभी भी क्या हो रहा है बेटा, क्वांटाइजेशन इज स्टिल वैलिड बिकॉज ये क्वार्क्स क्या पाए जाते हैं, ऑलवेज फाउंड इन पेयर बेटा, क्या पाए जाते हैं, तो लिखेंगे सर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं बेटा, हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। बोलिए यस और नो, छोटी छोटी बातें हैं, ये भी समझ में आ गई। अच्छा इधर आते हैं, यहां पर क्या लिखोगे बेटा, यहां पर लिखोगे सर पॉजिटिव का 2e/3, यहां पर क्या लिखोगे बेटा -e/3, यहां पर क्या लिखोगे बेटा -e/3, सबको जोड़ते हैं तो यहां पर उत्तर जीरो ही तो मिलता है, वही तो चाहिए था, पहले भी जीरो है अब भी जीरो है, मतलब क्वांटाइजेशन इज स्टिल वैलिड बेटा। तो सवाल ये आ सकता है कि प्रोटॉन के पास कौन कौन से क्वार्क पार्टिकल है, हम बोलेंगे
अप क्वार्क दो और एक डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन के पास कौन कौन से पार्टिकल है, एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क, ये पता होना चाहिए फॉर्मेशन क्या होती है बेटा। ठीक है, सबको समझ आया? तो क्वांटाइजेशन की पूरी चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। सर, किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो कैसे हम इस ऑब्जेक्ट और बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? तो मेथड ऑफ चार्जिंग पर हम अभी बात करने वाले बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। वेरी गुड, हेडिंग डालेंगे बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग। प्रॉपर रिवाइज करते चले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आज तक, ठीक है, वो अच्छे से समझते चले और हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे बेटा। रेस्पेक्टिव ऑफ कितना समय लग जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग टॉपिक सारे कवर करेंगे और डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, मेथड ऑफ चार्ज। तीन तरह की मेथड्स होती है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी को अगर चार्ज करना। वैसे बहुत अलग अलग और सारी मेथड्स हो सकती है, जिससे अभी रिसेंट डेज में हम लोगों ने तीन मेथड्स पढ़ी थी जब मैं आप लोगों को ड्यूअल नेचर पढ़ा रहा था। ठीक है, वहां चार मेथड्स पढ़ी थी, तीन भी नहीं बेटा। कौन कौन सी चार मेथड्स थी याद करो जरा। एक था आपका थर्मियोनिक इमिशन, बॉडी को गर्म करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन से इंसिडेंट करा के इलेक्ट्रॉन को बाहर करना। तीसरा था फील्ड इमिशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में मटीरियल को रखकर उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। और चौथा था सेकेंडरी मेथड बेटा, जिसमें एक फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल को दूसरे फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल के साथ टक्कर करवाना, कोलिजन करवाना। तो ये चार मेथड्स भी यहां पर इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो तीन मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड होती है बेटा, सबसे पहली मेथड होती है यहां पर चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या होता है बच्चों? चार्जिंग बाय रबिंग एंड यहाँ पर आप बोलेंगे सर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, छोटे छोटे थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से आ सकते हैं बेटा, हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस कूलम्ब लॉ, डाइपोल, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से आते हैं, लेकिन अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि वी हैव टू स्कोर 170 प्लस 160 प्लस 180 आउट ऑफ 180, तो फिर किसी भी टॉपिक को नजरअंदाज नहीं करना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट चैंपियंस एवरीवन, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बात क्या हो रही सर? रबिंग एंड फ्रिक्शन। भाई तो आपको दो बॉडीज की जरूरत लगेगी, एक यहां पर आपको चाहिए सर ग्लास का रॉड, एक आपको क्या चाहिए बेटा? एक आपको चाहिए ग्लास का रॉड और एक आपको चाहिए सर सिल्क का क्लोथ। ठीक है, एक आपको चाहिए ग्लास का रॉड, दूसरा आपको चाहिए बेटा सिल्क का क्लोथ। जब आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ को आपस में क्या करते हैं? रब करते हैं। क्या किया आपने इनको? आपने इनको क्या बेटा? रब्ड टूगेदर। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब आपको पता चलेगी। रब्ड टूगेदर, जब आप अभी अभी आप करके देखें, ये आपने किया हुआ है तो आपको विजुअलाइज होगा ये कॉन्सेप्ट बेटा। अगर हम किन्हीं भी दो बॉडीज को आपस में से क्या करते हैं? रब करते हैं। रब करते हैं तो क्या हो रहा है? रब कर रहे हैं तो हमारे हाथ गरम फील करते हैं। बोलो यस और नो? हीट एनर्जी डेवलप हो रही होती है। तो व्हेन यू रब टू ऑब्जेक्ट टुगेदर, तो यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर गरम होती है वो बॉडीज, यानी कि उनको हीट मिल रही होती है और उस हीट को सरफेस इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दे बिकम एक्साइटेड, और एक्साइट होते हैं तो क्या करते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा। तो अगर यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर्म कहां से कहां तक बेटा? आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ग्लास रॉड से सिल्क क्लोथ की तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर होगा डेफिशिएंसी। यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर हो जाएगा आपका डेफिशिएंसी। किस चीज की डेफिशिएंसी? ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का मतलब है यहां पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। चार्ज पॉजिटिव, अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो अपने साथ खुद का मास भी लेकर निकलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो अपने मास के बराबर मास भी कम कर देगा। तो ये जो ग्लास की रॉड है, इसका जो एक्चुअल मास था उसमें आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी, और वो कमी डेल्टा एम के बराबर होगी। एंड दिस डेल्टा एम कैन बी रिटन एज एन इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। एन यहां पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स पर वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा, बहुत अच्छे से समझते चलना। ये जो सिल्क की क्लोथ है, इसके पास क्या हुआ? तो आपको समझ में आया कि सर सिल्क क्लोथ के पास हमें देखने को मिल रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम यहां पर बोलेंगे सर क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनी, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बेटा। कैसा हो जाएगा?
नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो मैंने माइनस ए नहीं लिखा। अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और इसके पास गया है, बेटा यहां से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है इसके पास गया है तो अपना खुद का मास भी तो लेकर जाएगा, तो यहां पर जो इसका एक्चुअल मास होगा एम प्राइम वो बढ़ जाएगा बेटा। बढ़ेगा कितनी वैल्यू से? डेल्टा एम से। डेल्टा एम को हम क्या लिखते हैं सर? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक बात समझ में आती है कि सर चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में इफ बॉडी इज बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज तो उसका वेट कम होता है बेटा, एंड इफ बॉडी इज बिकम नेगेटिवली चार्ज तो उसका वेट क्या करता है? इंक्रीज होता है बेटा। ऑल्दो दिस इंक्रीज इन वेट इज वेरी लेस, दिस इंक्रीज इन वेट इज वेरी लेस, हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, बट फिर भी लॉजिकली आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहूं If a body is charged by rubbing or friction, its weight, तो आप बोलोगे सर इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन बॉडी का चार्ज नेचर कैसा है। बॉडी रब करने से पॉजिटिवली चार्ज हुई तो वेट डिक्रीज करेगा, बॉडी अगर रब करने से नेगेटिवली चार्ज हुई तो वेट यहां पर इंक्रीज करेगा। आ रही है बात सभी लोगों को समझ में? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों के मन में आ सकता है कि भैया एक बात बताइए, Why this is happening? Why charge is flowing from glass rod towards the silk cloth? ठीक है? जब हम प्लास्टिक की रॉड को और कैट फर को रब करते हैं तो उसमें प्लास्टिक की रॉड से कैट फर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स है जिसमें एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दूसरे मटेरियल में जाते हैं। Why this transfer is happening? ये तो आपने बता दिया कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रांसफर हो जाते हैं, बट हमारा सवाल यह है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लोथ, इसका ऑपोजिट संभव क्यों नहीं हुआ? इज दैट क्लियर बच्चों? आ रहा है मन में सवाल ऐसा? बहुत बढ़िया। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी मटीरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो जाता है दूसरे मटेरियल में। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे बेटा? यहां पर आप बोलेंगे सर जो वर्क फंक्शन है किसका? ग्लास रॉड का। किसका वर्क फंक्शन बच्चों? ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ किसका? तो आप बोलेंगे सर सिल्क क्लोथ, और उसी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए किसमें से बेटा? ग्लास रॉड से सिल्क क्लोथ में। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई? अगर कहीं कोई असर्शन रीजन में सवाल आ जाए जो कि क्वाइट पॉसिबल है बेटा, पूछा जा सकता है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हर उस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो यहां तक बात समझ में आ गई सर, चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो यहां पर मेथड आता है चार्जिंग का, वो आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या आता है बेटा? सेकेंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हेडिंग डालेंगे आप सब लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है समझिएगा जरा, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है इसको समझिएगा। अगर आपने कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लिए बेटा, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लिए, यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट वन और ये स्फेरिकल राउंड ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस आर वन है। दूसरा आपने एक और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा, ठीक है, और ये आपने स्फीयर लिया और इसकी रेडियस आपने ली बेटा आर टू, ठीक है। द चार्ज गिवन टू दिस इज क्यू वन एंड द चार्ज गिवन टू दिस इज क्यू टू। लेट अस सपोज दैट दिस इज द वैल्यूज दैट वी हैव गिवन बेटा। अब होता क्या है, व्हेन यू कनेक्ट दिस टू बॉडीज तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे अगर आप ऊपर टंकी में पानी भर के रखोगे और नीचे नल को ओपन करोगे तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ क्या होता है? पानी का फ्लो होता है, ठीक है? ये बात तो सबको समझ में आती है। तो यहां पर भी क्या होगा, ठीक है, द मोमेंट वी कनेक्ट बॉडीज क्या चीजें होती है देखिएगा जरा, द मोमेंट बॉडीज कनेक्टेड, ठीक है, जैसे ही बॉडीज को आपने क्या किया बेटा, कनेक्ट किया, द मोमेंट बॉडीज कनेक्टेड, पहली चीज इसके साथ क्या होगी, वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा, क्या करेगा बेटा, चार्ज फ्लोज कहां से, तो आप लिखेंगे सर चार्ज फ्लोज फ्रॉम
हायर पोटेंशियल, चार्ज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, आप लिखेंगे सर लोअर पोटेंशियल, चार्ज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. वी इज नॉट वेलोसिटी हियर, वी इज योर पोटेंशियल बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अभी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है. ठीक है, तो चार्ज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, कब तक फ्लो होता रहेगा? टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. कब तक फ्लो होगा बेटा चार्ज? टिल पोटेंशियल बिकम्स क्या बेटा? टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. वेरी गुड. जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये चार्ज फ्लो करता रहेगा. अच्छा, चार्ज के बारे में एक बात हम और जानते हैं कि सर Q1 प्लस Q2 यहां पर होना चाहिए किसके बराबर बेटा? Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम के बारे में. सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि Q इनिशियल शुड बी इक्वल टू Q फाइनल. बोलो हाँ या ना? अरे भाई कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले तो सिखाई थी, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी अभी तो थोड़ी देर पहले आपको सिखाई थी. अब एक छोटी सी बात और लिखते हैं इसके बारे में, उसे आप ध्यान से देखिएगा बच्चों. यहां पर जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन अ बॉडी, क्या लिखेंगे बेटा अपन यहाँ पर? चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसका? साइज ऑफ बॉडी. जितना उस बॉडी का साइज है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यानी कि बड़ी अगर साइज की बॉडी है उसके ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा, छोटी अगर बॉडी है उसके ऊपर कम चार्ज आएगा. ठीक है, बड़ी बॉडी के ऊपर ज्यादा चार्ज, छोटी बॉडी के ऊपर कम चार्ज. तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? आप लिखेंगे इसका मतलब जो चार्ज क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिखा जा सकता है. बोलिए यस और नो एवरीवन? क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है? तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर ये बॉडीज आपस में टच होकर चार्ज के ट्रांसफर होने से इनके पास चार्ज आता है Q1 प्राइम और इसके पास चार्ज आता है Q2 प्राइम, तो आप क्या लिखेंगे सर? Q1 प्राइम डिवाइडेड बाय Q2 प्राइम इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2. ऐसा हम लिख सकते हैं क्यों दोस्तों? जल्दी से बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर एक बात समझ में आ रही है भैया. ठीक है, अब एक छोटा सा काम है बस. एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, बस ये दोनों बातें आपने ध्यान में रखी. आप हजारों हजार सवाल सॉल्व करने के लिए रेडी हो चुके हो, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी बेटा. ठीक है, आगे बढ़े. सबको समझ में आ रही है बात? जल्दी बताइए. यस एवरीवन? क्या बात है, ये हुई ना चैंपियंस वाली बात. ठीक है, मैं सवाल करवाता हूँ बेटा. देखो मैं सवाल करवाता हूँ, सवाल से आपको सीखने मिलेगा. देखो वैसे तो ये थ्योरी क्लास है, मैंने कहा कि हम इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? स्पेशल क्लास में. लेकिन कोई कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको सिखाया है उसको अगर आपके डेप्थ तक लेकर जाना है, क्लास के क्लास में अगर आपको चीजें याद करवानी है तो सवाल उसके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं. तो बेटा एक सवाल हम यहाँ पर करते हैं, आप सभी लोग आ जाइए जरा. एक एग्जांपल मैंने आप सब लोगों के सामने लिया, आई एम टेकिंग टू बॉडीज बेटा, मैं यहाँ पर दो बॉडीज ले लेता हूँ. ठीक है, जो फॉर्मूला हम यहाँ पर अभी डिराइव किए हैं ये फॉर्मूला राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए है बेटा. और मजेदार बात यह कि सवाल भी केवल राउंड ऑब्जेक्ट्स के ही आते हैं. सवाल भी केवल किसके आते हैं बेटा? राउंड ऑब्जेक्ट्स के आते हैं. ये जो बॉडी आप देख रहे हैं इसकी बॉडी का रेडियस जो है वो 2R है बेटा. ये जो बॉडी आप देख रहे हैं इसका रेडियस जो है यहाँ पर R है. दिख रहा है आप सभी लोगों को? वेरी गुड. अच्छा, इसको मैंने चार्ज क्या दिया बेटा? Q दिया. और इसको मैंने चार्ज क्या दिया बेटा? जीरो दिया. ठीक है, इसके पास चार्ज Q है, इसके पास चार्ज जीरो है. सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? इनिशियल चार्ज का पता लगाएंगे. और वो इनिशियल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 होता है. एक Q है, दूसरा जीरो है. चार्ज का वैल्यू Q के बराबर आ गया. बहुत बढ़िया. ठीक है, अब जैसे आप यहां पर क्या करोगे? टच करोगे. टच करके वापस इनको सेपरेट करोगे बेटा, तो चार्ज चेंज हो जाएगा. चार्ज चेंज होगा, एक होगा Q प्राइम, एक होगा यहां पर Q2 प्राइम. अच्छा भाई, यही वैल्यूज हमको निकालनी है कि सर Q1 प्राइम कितना होगा और Q2 प्राइम कितना होगा. फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि सर Q1 का प्राइम जो होगा डिवाइडेड बाय Q2 का प्राइम जो होगा उसे हम लिखेंगे R1 डिवाइडेड बाय R2. हमारा जो R1 है वो 2R के बराबर है, हमारा जो R2 है वो R के बराबर है. रेशियो कितना आ रहा है बच्चों? 2:1. एवरीवन, रेशियो कितना आ रहा है बच्चों? 2:1 आ रहा है. अब यहां बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनेगा, पूरी फिजिक्स में कई सारी जगह काम आएगा रेशियो वाले सवाल सॉल्व करने में. तो Q1 prime divided by Q2 prime 2:1 आ गया. 2:1 का मतलब है, 2:1 का मतलब है बेटा 1 plus 2, मतलब आप लिखेंगे सर 1 plus 2, मतलब आपको यहाँ पर लिखना होगा सर this is three parts. किस क्या part बेटा? Three parts. किसके part?
जिसकी वैल्यू तुम निकालना चाहते हो। किसके तीन पार्ट होंगे बेटा? इस क्यू के तीन पार्ट होंगे, इस क्यू के तीन हिस्से होंगे। और आपको हिस्से तो करना आता है, अरे आपको हिस्से तो करना आता है। मैं कहूं कि तुम्हारे पास टोटल 300 रुपए हैं, मैं कहूंगा कि बेटा तेरे पास 300 रुपए हैं, तुझे तीन हिस्सों में बांटना है बराबर बराबर। तो क्या बोलेगा कि सर 300 को मैं तीन से डिवाइड करूंगा, 100-100 रुपए के तीन हिस्से बन जाएंगे। बोलो ये सुनो, वैसे यहां पर क्या करना है बेटा, अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा क्यू बाय 3, एक हिस्सा कितने का बनेगा बेटा, क्यू बाय 3 का बनेगा। अब यहां पर Q1 प्राइम के सामने कितना लिखा है, 2 लिखा है, मतलब Q1 प्राइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, दो हिस्से बेटा, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा सर 2Q/3। अरे वाह, है ना, चैट में दिल बना देना, चैट में दिल बना देना अगर पहली बार आपको इतना इजी लगा हो तो। और Q2 प्राइम की बात करोगे तो क्या करोगे, Q2 प्राइम की बात करोगे, इसके केवल पास वन पार्ट है, मतलब यहां पर क्या लिखोगे बेटा, Q/3 लिखोगे। तो Q1 के पास 2Q/3 है और Q2 के पास Q/3 है। बोलिए यस और नो, चार्ज समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये हुई ना बात। यस भैया, आ गया समझ में। अच्छा, एक और सवाल कराते हैं आपको, उससे और थोड़ा सा डेप्थ सिखाते हैं, ठीक है? एक और सवाल कराते हैं, उससे आपको अब और बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो किसी ने हमसे कहा कि चलिए दो बॉडीज हमारे पास है, हमने कहा ठीक बात भाई, और ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल बॉडीज है बेटा, ये दोनों बॉडीज कैसी है, आइडेंटिकल बॉडीज है। इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है। इसके पास चार्ज कितना है बेटा, इसके पास चार्ज q है। इसके पास चार्ज कितना है बेटा, तो इसके पास चार्ज यहाँ पर बोला गया मान लीजिए यहाँ पर 3q है। कितना चार्ज है बेटा, 3q चार्ज है। अब आपको बोला गया कि जब इन बॉडीज को टच करेंगे तो बताइए Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यू क्या होगी, Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यूज क्या होंगी बेटा। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यूज क्या होंगी, सिंपल सवाल हो गया। सबसे पहला काम क्या सिखाया था भैया आपने, सबसे पहला काम आपने सिखाया था कि Q इनिशियल की वैल्यू पता लगाओ, वो होता था यहाँ पर Q1 और प्लस होता है सर Q2। Q1 की वैल्यू भैया Q दी हुई है, Q2 की वैल्यू भैया यहाँ पर 3Q दी हुई है, टोटल चार्ज हमको पता चला 3Q प्लस Q कितना आ गया, 4Q आ गया। वेरी गुड, जैसे ये 4Q आया अब हम पहुंचे दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी आपने सिखाई थी कि Q1 प्राइम लिखेंगे डिवाइडेड बाय Q2 प्राइम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पहले वाले की रेडियस r है, दूसरे वाले की रेडियस r है, r से r कट किया, 1/1 आया। 1/1 का मतलब 1+1, ये तो भैया 2 पार्ट्स आ रहे हैं, कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 2 पार्ट्स आ रहे हैं। किसके दो हिस्से, किसके दो हिस्से, इस 4Q चार्ज के दो हिस्से। दो हिस्सों का मतलब है सर 4Q/2 करेंगे, दो हिस्सों का मतलब है सर 4Q/2 करेंगे। 4Q/2 किया इसका मतलब यहां पर 2Q आया, 4Q/2 क्या मतलब यहां पर 2Q आया। तो आपने देखा कि सर ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारे पास चार्ज 2Q, ये कितना हो गया बेटा चार्ज 2Q। और क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये Q इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 है, अरे ये कुछ और नहीं Q इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 ही तो है, Q इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। मतलब हम यहां पर एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि जब भी कभी दो आइडेंटिकल बॉडीज को आपस में टच किया जाएगा तो उन बॉडीज के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा इनिशियल चार्ज का बाय 2, आधा आधा डिवाइड हो जाता है बेटा। आइडेंटिकल बॉडीज के केस में जो टोटल चार्ज होता है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नॉट एवरीवन? बहुत बढ़िया, यस भैया, यहां तक भी बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल तरीके से क्लैरिटी हमको मिल जाती है, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट में आप चाहो तो लिख सकते हो, आइडेंटिकल बॉडीज है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, इक्वल चार्जेस को डिवाइड कर देंगे। कॉलम यहाँ पर एक सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जो कल सुबह हम प्रैक्टिस क्लास में करेंगे बेटा, मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर ये इस प्रॉपर्टी को यूज करके कूलंब का क्वेश्चन बना लिया था, ठीक है, तो बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए अगली, यहाँ पर हम बात करते हैं सर थर्ड वाला मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको हम बोलते हैं बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे
पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते बेटा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड या फिर असर्शन रीजन के सवाल बनाने हो तो चार्जिंग बाय इंडक्शन या मेथड्स ऑफ चार्जिंग बहुत बढ़िया टॉपिक है एनटीए वालों के पास, ठीक है। चलिए तो यहां पर बात आता है सर चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है बेटा प्रेरणा। इंडक्शन का मतलब होता है बेटा हिंदी में, इंडक्शन का मतलब होता है बेटा प्रेरणा। कई बार हम देखते ना यार ये वाले सर, ये फला मैडम, इन्होंने कितनी कम उम्र में कितना कुछ हासिल किया है, मुझे भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी इनके जैसा होना है। इसे हम क्या कहते, प्रेरणा कहते। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यू एंड अस, ठीक है। हालांकि दिल का रिश्ता है लेकिन सीधा सीधा कभी एक दूसरे से मिले नहीं, कनेक्ट हुआ नहीं, टच किया नहीं, लेकिन फिर भी इंस्पायर्ड आप हो जाते हैं, उस इंस्पिरेशन को प्रेरणा कहते हैं, राइट बेटा। तो यहाँ पर भी वही प्रेरणा मिलती है। कैसे होता है तो बच्चों क्या हो रहा है सीन यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है और ये स्फीयर कैसा है बच्चों, ये स्फीयर आपका न्यूट्रल है। ये स्फीयर कैसा है बच्चों, ये स्फीयर आपका न्यूट्रल है। ये स्फीयर कैसा है, ये स्फीयर हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या बच्चों, न्यूट्रल होने का मतलब है इसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो ये न्यूट्रल है। क्योंकि प्रोटॉन के पास जितना प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है। तो जब कोई बॉडी न्यूट्रल है दैट मीन्स उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर बराबर होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर ये रहे हैं चैंपियंस, अब हम ये कर रहे हैं कि यहां पर एक रॉड को, एक रॉड जो इससे अभी दूर रखी हुई है, एक रॉड जो अभी कहां रखी हुई है बेटा, दूर रखी हुई है। और ये रॉड कैसी है सर, ये रॉड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड है या पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जैसा भी आप लेना चाहें, ठीक है। तो चलो मैं इसको कैसे ले लेता हूँ बेटा, पॉजिटिवली चार्ज ले लेता हूँ। इस रॉड के पास क्या है बेटा, प्लस क्यू चार्ज है, मैंने यहाँ पर ले लिया प्लस क्यू चार्ज, अभी दूर है, अभी यहाँ पर क्या है ये रॉड दूर है। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में बेटा, सेकेंड स्टेप में होता क्या है उसके बारे में सुनिए जरा। सेकेंड स्टेप में ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम को हम यहाँ पर क्या करते हैं सर, डुप्लीकेट बना के और यहां लेकर आते। देखो ये जरा रॉड मैंने यहां पर रखा और ये वाली रॉड को ना मैं पास लेकर आता हूं। मैं क्या करता हूं बेटा, पास लेकर आता हूं। जैसे 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 पास लेकर आऊंगा ना, अब हमें मालूम है कि लाइक चार्जेस क्या करते बेटा, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो बॉडी जिसे आप अभी देख रहे हैं, इस स्फेरिकल बॉडी के जितने भी प्लस चार्ज होंगे वो यहां से दूर भागेंगे और जितने भी माइनस चार्ज होंगे वो इस रॉड की तरफ भागेंगे। Isn't it everyone? सबको चमक रहा है, क्या होगा बेटा, जैसे जैसे मैं इसको पास लेकर आऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको पास लेकर आऊंगा, होगा यूं कि यहां पर ना माइनस चार्ज आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस चार्ज आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो यस और नो एवरीवन। अभी अभी राइट नाउ This body is not charged, बेटा। अभी अगर यहां से मैं वापस इसको सेपरेट कर दूं, तो फिर से redistribution of charges हो जाएगा, and that redistribution of charges क्या करेगा? यहां पर इस body को neutral ही कर देगा। अब इस body को अगर चार्ज करना है तो एक बहुत important बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बहुत important बात क्या है बेटा, वो थर्ड स्टेप यहां पर आपको करना पड़ेगा, जिसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको अर्थिंग करना पड़ेगा। इसकी अर्थिंग करना बहुत जरूरी हो जाएगी बेटा, ठीक है। फिर से मैंने डुप्लीकेट बनाया और अब मैंने इस बार यहां रख लिया, अब मैंने इस बार यहां रख लिया। आई होप आप सब लोगों को विजिबल है। मैं डायग्राम की नंबरिंग कर देता हूं बेटा। दिस सिचुएशन इज डायग्राम नंबर ए, दिस सिचुएशन इज माई डायग्राम नंबर बी, एंड दिस सिचुएशन इज बेटा डायग्राम नंबर सी, ठीक है, डायग्राम नंबर सी। वेरी गुड, यहां तक सबको बात समझ में आ रही है, एवरीवन, ईच वन ऑफ यू, सबको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा और क्या क्या चीजें यहाँ पर समझ में आती है। तो जैसे आपने यहाँ पर क्या किया सर, अर्थिंग किया। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग, कई सारे बच्चों को अर्थिंग का मतलब समझ में नहीं आता। अर्थिंग का मतलब है हमने इस स्फीयर को क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ। अर्थ क्या है, एक तरह का कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल क्या होता है बेटा, जिसका पोटेंशियल होता है जीरो। सो इस सरफेस के पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए यहां पर जितना भी एक्सेस चार्ज है क्या करेगा बेटा, फ्लो करके इधर आ जाएगा। और जब एक्सेस चार्ज फ्लो करके इधर आएगा, और अब अगर आप इन स्फीयर्स को, इन रोड को सेपरेट करोगे तो आपको कुछ दिखेगा ऐसा बेटा, अब आपको कुछ दिखेगा ऐसा, जो मैं अगली स्लाइड में दिखा देता हूं। माई डियर फ्रेंड्स, यहां पर रॉड तो आपकी रह गई, ये रही रॉड कहीं यहीं पे, ये रही आपकी रॉड कहीं यहीं पर बेटा, ठीक है। और इस रॉड के पास कितना चार्ज था, इस रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज था। एवरीवन
मार्क करें अच्छे से, इस रॉड के पास कैसा था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था, वो था क्यू, ठीक है। दूसरा हमने क्या बनाया था, दूसरा हमने यहां पर बनाया था बेटा एक स्फीयर, और ये जो स्फीयर आपके पास था, दिस स्फीयर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि यहां पर जो एक्सेस प्लस था वो फ्लो करके कहां चला गया, अर्थ में चला गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, अगर इसकी रेडियस आर है, इसके पास एक चार्ज आएगा, उस चार्ज को हम बोलेंगे बेटा यहां पर क्यू प्राइम। क्या बोलेंगे बेटा उस चार्ज को, हम क्यू प्राइम चार्ज कहेंगे। दिस क्यू प्राइम चार्ज इज इंड्यूस्ड चार्ज बेटा, दिस क्यू प्राइम चार्ज इज इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा इंड्यूस्ड चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा, दिस इज आर इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। कैसा चार्ज है बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज है, और यहां पर इस इंड्यूस्ड चार्ज की जो वैल्यू होगी वो जाएगी सर माइनस, यहां पर आप लिखेंगे सर क्यू। क्यू क्या है बेटा, ये क्यू है आपका सोर्स चार्ज या फिर इंड्यूसिंग चार्ज बेटा, इनको दो चीजों में हम बता सकते हैं। या तो हम इसको लिखेंगे सर ये सोर्स है, क्या है बच्चों, ये सोर्स चार्ज है, या तो ये हमारा क्या होगा बेटा, या तो ये हमारा सोर्स चार्ज होगा, या फिर ये हमारा कैसा होगा, इंड्यूसिंग, जिसने चार्ज को इंड्यूस किया, इंड्यूसिंग चार्ज होगा, ठीक है। तो यहां पर q is equals to minus q, यहां पर होगा बेटा 1-1 divided by k, जहां पर इस k को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा, इस k को हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटर वाले चैप्टर में आप इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पढ़ते हो, कहां पढ़ते हो बच्चों, कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कैपेसिटर वाले चैप्टर में। इंपॉर्टेंट बातें क्या है नोट करने लायक, ये जो q प्राइम का वैल्यू है ये कभी भी q से बड़ा नहीं हो सकता बेटा, संभव नहीं है। इस q प्राइम का वैल्यू हमेशा छोटा या बराबर होगा q के बेटा, नेचर दोनों के अलग अलग होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये माइनस साइन यहाँ पर होता है। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट नेचर बेटा, ये माइनस साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है, ऑपोजिट नेचर को, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस को, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस को इंडिकेट कर रहा है, चार्जेस के ऑपोजिट नेचर को ही क्या कर रहा है बेटा, इंडिकेट कर रहा है। यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगर आपका सरफेस कैसा है बेटा, मेटल सरफेस है, मेटल के लिए जो के का वैल्यू होता है बेटा वो इनफाइनाइट होता है, किसके लिए होता है बच्चों, मेटल के लिए। अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी उस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो सोर्स चार्ज के बराबर होगा विथ ऑपोजिट नेचर बच्चों। यस और नो एवरीवन, क्या यहां तक समझ में आया, क्या यहां तक समझ में आया, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो जरा, अगर आपने अभी तक देखा तो क्या हो रहा है कि जैसे आप यहां पर आए थे ना, इस वाली स्लाइड पर आ जाओ। अभी आपने देखा कि सर इस चार्ज की वजह से यहां रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ, और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से यहां पर क्या आया बेटा, माइनस साइन आया। ये कैसा चार्ज है बेटा, प्लस चार्ज है, ये कैसा चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज है, ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और अट्रैक्शन दो चीजें होती बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट टू फाइंड आउट नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी को भी क्या किया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इंडक्शन। लेकिन रिपेल तो तभी होगा जब क्या होंगे, दोनों बॉडीज के चार्ज कैसे होंगे, सिमिलर पोलैरिटी के होंगे। मतलब अगर एक बॉडी रिपेल हो रही है बाय अ प्लस चार्ज्ड रॉड, इसका मतलब वो बॉडी 100% पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन अगर अट्रैक्ट हो रही है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो भी अट्रैक्ट हो सकती है, और न्यूट्रल होगी तो भी अट्रैक्ट हो सकती है। तो क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट, इस पर बेस्ड असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देखने को मिल सकता है। लॉजिक सबको समझ में आया, ईच वन ऑफ यू, ठीक है, डन बच्चों, यहां तक सबको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें समझ में आने के बाद में नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर कूलम्स लॉ। हैडिंग डालेंगे बेटा, अब बार बार बात हो रही है, बार बार ये बात हो रही है कि सर टू चार्ज बॉडीज going to attract each other, क्या करते हैं, एक दूसरे को attract करते हैं। If charges are like, तो repel करते हैं, charges are unlike, तो attract करते हैं। अब ये attraction होगा कितना exactly, उसके बारे में बात करते हैं। So दोस्तों, heading डालेंगे आप लोग Coulomb's law, ठीक है, heading डालेंगे बच्चों Coulomb's law, ठीक है, heading डालेंगे आप लोग यहाँ पर Coulomb's law,
ठीक है, हेड डालेंगे बच्चों कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सर चार्ज आपको Q2 नजर आ रहा है। Q1 और Q2 दोनों चार्जेस को अगर आप देखेंगे सर, इन दोनों के बीच में सेपरेशन यहाँ पर R है। अभी एक फोर्स होगा जिसको अपन बोलेंगे सर, वो फोर्स Fe होगा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बेटा Q1 into Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्जेस बेटा? तो जब भी कभी कोई दो बॉडीज है उनके बीच की सेपरेशन, उनके बीच की सेपरेशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज बेटा। अभी जैसे आप देखो मेरे दोनों हाथों की मुट्ठियां, इस इन दोनों मुट्ठियों को मैंने बहुत पास रखा, दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ पॉइंट चार्ज बेटा, क्योंकि सेपरेशन बहुत कम है, साइज बहुत बड़ा है। सेपरेशन बहुत कम है, साइज बहुत बड़ा है। अब अगर मैं क्या करूं बेटा, इन मुट्ठियों को ऐसे दूर करता हूं, मैं इन मुट्ठियों को ऐसे दूर करता हूं तो यहां पर आप देखोगे तो एक मुट्ठी यहां है, दूसरी मुट्ठी यहां है, इनके बीच में सेपरेशन इज मच लार्जर देन द साइज, तो हम इन्हें पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। क्या कहेंगे बेटा इसे? हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो व्हेन टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, उनके बीच में यहां पर फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो सकता है बेटा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोलंबिक कांस्टेंट बेटा, व्हिच इज अ स्मॉल k लिखूंगा क्योंकि कैपिटल k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो स्मॉल k यहां पर हो जाएगा q1 into q2 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? होल डिवाइडेड बाय आपका r स्क्वायर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका एफ ई, और के की जगह आप क्या लिखोगे? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होगा Q1, यहाँ पर होगा into Q2, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास? R स्क्वायर होगा। 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस K की वैल्यू होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिखाया बेटा। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होती है उसके बारे में हम बात करते हैं सर। एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, बड़ा बोर्ड ले करता यार इस सेटअप में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अपन कहते हैं परमिटिविटी बेटा। क्या कहते हैं? परमिटिविटी। परमिटिविटी किसका? तो आप बोलेंगे सर परमिटिविटी ऑफ किसका बेटा? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है बेटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है। अच्छा पहले ये समझो, व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी? तो अगर कोई भी चार्ज किसी मीडियम में जब हम ले जाकर रखते हैं तो उस चार्ज की प्रेजेंस से वो मीडियम कितना स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड है, उसी एक्सटेंट ऑफ डिग्री को या उसी डिग्री ऑफ एक्सटेंट को हम परमिटिविटी कहते हैं। कोई मटेरियल ज्यादा अफेक्ट होगा, कोई मटेरियल कम अफेक्ट होगा, कोई मीडियम ज्यादा अफेक्ट होगा, कोई मीडियम कम अफेक्ट होगा। जितना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है उसकी परमिटिविटी उतनी ज्यादा है, जितना कम अफेक्ट हो रहा है उसकी परमिटिविटी उतनी कम है। ये परमिटिविटी मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये अलग अलग मीडियम के लिए कांस्टेंट होगी, ठीक है। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी, लेकिन गिवन मीडियम के लिए कांस्टेंट होगी। यहां पर एयर और वैक्यूम के केस में इस परमिटिविटी का वैल्यू होता है बेटा 8.854 इंटू में 10 रेस टू द पावर माइनस 12, और इसकी यूनिट होगी बेटा कुलाम्ब स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर इनटू क्या होगा बेटा? न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ जाती है। कई बार देखो k की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है, तो जब इसकी वैल्यू आप रखोगे एप्सिलॉन नॉट की यहां पर 4 पाई के साथ, तो k का रिजल्ट आ जाता है बेटा 9 into 10 raised to the power 9, और इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर क्या होगा बेटा? कूलम्ब स्क्वायर होगा। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट यू गाइस आर गेटिंग एज एन कूलम्ब कांस्टेंट। अब एक छोटी सी बात को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हीं पर तो हमें डिस्कशन करना है। तो बच्चों यहां पर अगर आप देख रहे हो तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर जब यहां दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन है? एयर है और वैक्यूम है। क्या रखी बेटा यहां पर? हवा रखी ना आपने। अरे भाई अभी यहां पर मीडियम कौन है? या तो एयर है या फिर क्या है आपका? वैक्यूम है। तो अगर एवी है, ए मतलब एयर, बी मतलब वैक्यूम, तो आपने यहां पर परमिटिविटी किसकी लिखी बेटा? एयर की और वैक्यूम की लिखी है ना, बहुत अच्छे। लेकिन बच्चों
अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हम एक ऐसा सेटअप लेते हैं, हम एक ऐसा सेटअप लेते हैं जिसमें मान लीजिए हमने दोनों चार्जेस को उठा के पानी में रख दिया। कहां रख दिया बेटा? दोनों चार्जेस को उठा के हमने रखा पानी के अंदर। कहां रखा बेटा? हमने दोनों चार्जेस को उठाया और हमने रखा पानी में। दोनों चार्जेस को उठाया, हमने कहां रखा बेटा? पानी में रखा। तो यहां पर हमने रखा Q1 चार्ज, यहां पर हमने रखा बेटा Q2 चार्ज। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों आ गए रखने में, Q1 और Q2 आ गए दोनों रखने में। इनके बीच में सेपरेशन कितने बेटा? R है। इनके बीच में सेपरेशन कितने बच्चों? R है। अब जब यहां पर आप कूलम्बिक कांस्टेंट फोर्स लिखेंगे तो आपको लिखेंगे सर फोर्स इन एनी अदर मीडियम, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा सर 1/4π। यहां पर क्या लिखोगे? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और मल्टीप्लाई क्या करोगे? चार्ज Q1। मल्टीप्लाई क्या करोगे? चार्ज Q2 होल डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा? सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस का होल स्क्वायर। यहां पर ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन एम लिखा है। व्हाई यू आर राइटिंग एप्सिलॉन एम बेटा? क्योंकि अगर चार्जेस एयर और वैक्यूम में रखे हैं तो मैं परमिटिविटी एयर और वैक्यूम की लूंगा, और अगर मैंने चार्जेस किसी और मीडियम में रख दिए तो मैं परमिटिविटी उस गिवन मीडियम की लूंगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम ऐसा करते हैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और अगर एप्सिलॉन नॉट से करेंगे डिवाइड, तो एप्सिलॉन नॉट और अगर यहां पर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक क्वांटिटी अब आप लोगों को समझ में आएगी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज व्हाट वी कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम कहते हैं बेटा के, विच इज अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेटा। इसकी क्या कहते हैं? ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, और ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अगर आप देखोगे तो ये डायमेंशन लेस आता है बेटा। ये कैसा आता है? डायमेंशन लेस आता है। This is dimensionless बेटा, जबकि कूलम्ब कांस्टेंट इज नॉट dimensionless क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ सर्टेन यूनिक है। तो ये कूलम्ब कांस्टेंट है, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये स्मॉल के है, ये तुम्हारा कैपिटल के है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। राइट बच्चों, तो अभी यहां पर जब आप लिखेंगे इस फोर्स की वैल्यू को, सो दिस एफ एम वुड बी, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना था, बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, के वैल्यू। मतलब कि एक बात यहाँ पर क्लियर हो रही है, व्हेनेवर यू चेंज द मीडियम जिसमें चार्जेस रखे हैं तो फोर्स विल बी रिड्यूस बाय अ फैक्टर के। के क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम बेटा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। प्रीवियस ईयर में आपको इस पर सवाल देखने को मिल जाएगा और कल सुबह की क्लास में भी आपको देखने को मिल जाएगा बेटा, प्रीवियस ईयर में सवाल आया हुआ है। Is that clear? क्या यहां तक बात सब लोगों को समझ में आ गई? Everyone, quickly बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है? तो यहां तक अगर बातें क्लियर है तो मस्त समझ में आ रहा होगा, ठीक है? उसके बाद आगे हम कहानी को और बढ़ाते हैं, ठीक बच्चों? यहां तक सबको क्लैरिटी है ना, किसी को कोई परेशानी नहीं? ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यार, ये है ना, थोड़ा सा मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्लास को एंड नहीं होनी चाहिए है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा अटक रही है। पूछ सकते हैं कि अब ये हैंग नहीं होगी। आ जाओ बेटा, ठीक है, यहां तक सबको चमका? नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लैग था ये, हाँ चलता रहता है, नया सेटअप है तो नए सेटअप में चीजें, हाँ, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस में से छोटी छोटी लेग वाली परेशानियां तो चलती रहती है, राइट? ठीक है बेटा, समझ आया यहां तक? हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट बेटा। तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर बात देखो, हो गया ना, रिफ्रेश कर लेना भारत में हर चीज का सोल्यूशन है, ठीक है? कोई चीज अगर काम नहीं कर रही, एक बार रिफ्रेश कर लो, काम करना शुरू कर देगा, ठीक है? ये छोटी छोटी सी बातें हैं। चल आ जाओ बेटा, हेडिंग डालेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बेटा, हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बड़ा सिंपल है बेटा। क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर देखिए, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाए, यहाँ पर मैंने लिखा x एक्सिस, यहाँ पर मैंने लिखा y एक्सिस। हम बोल रहे हैं कि यार यहाँ पर कहीं कोई चार्ज Q1 होगा, यहाँ पर कहीं कोई चार्ज Q1 होगा, ठीक है? यहाँ पर कहीं कोई चार्ज Q1 होगा जिसका पोजिशन वैक्टर R1 होगा, यहाँ पर कहीं कोई चार्ज मान लीजिए Q2 होगा, यहाँ पर कहीं कोई चार्ज मान लीजिए Q2 होगा जिसका पोजिशन वैक्टर R2 होगा। कौन सा चार्ज होगा बेटा? यहाँ पर चार्ज आपका Q2 होगा, ठीक है? अब होगा क्या बेटा, Q1 और Q2 के बीच में देर विल बी वन पोजिशन वैक्टर, और इसको हम बोलेंगे सर R12।
टू, क्या बोलेंगे बेटा, आर वन टू वैक्टर, विच इज अ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर बाय द वे, यहाँ पर दो पार्टिकल्स के बीच का स्प्रेड वेक्टर है, तो इसी को हम डिस्टेंस भी कहेंगे। और यहां पर अगर आप देखेंगे सर तो बहुत सारी चीजें हैं। अब एक Q1 क्या करेगा, इस Q2 को धक्का देगा, तो यहां पर एक फोर्स होगा जिसको हम बोलेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 बिकॉज़ ऑफ 1। ये क्या होगा बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 बिकॉज़ ऑफ 1। एवरीवन देख पा रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार F21 का वैल्यू लिखो, तो आप बोलोगे सर 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, Q1 लिखेंगे इनटू Q2 लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे सर R का स्क्वायर। बेसिकली ये मैग्नीट्यूड लिखा आपने, क्या लिखा बच्चों, मैग्नीट्यूड लिखा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैग्नीट्यूड के साथ-साथ आपको क्या लिखना है, यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ-साथ आपको डायरेक्शन भी लिखना है। तो मैग्नीट्यूड के साथ-साथ आप डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन लिखने के लिए आपने जैसे ही इसके ऊपर एक लाइन बनाई, यानी कि वेक्टर बनाया, यहां पर आपको क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है, वो यूनिट वेक्टर मैंने लिया R12 यूनिट वेक्टर। अब आप बोलोगे सर R12 यूनिट वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन तो हो लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिटी होता है, राइट बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, 1 होता है, यूनिटी होता है। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्शन तो आ जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड तब भी सेम रहेगा, क्योंकि 100 में 1 का गुणा करने से आंसर 100 ही आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर यूनिट वेक्टर R12 क्यों लिया, क्योंकि डायग्राम देखो जरा, जिस डायरेक्शन में 2 1 है उसी डायरेक्शन में 1 2 है, जिस डायरेक्शन में 2 1 है उसी डायरेक्शन में 1 2 है, इसलिए मैंने यहां पर R12 यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली अगर आप यहां पर देखोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, जो मैंने आप लोगों को वेक्टर में पढ़ाया था, R1 प्लस R12, क्या करोगे बेटा, R1 वेक्टर प्लस आप यहां पर लिखोगे सर R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपको लिखना पड़ेगा सर R2 वेक्टर। यहां पर आप लिखोगे सर R12 वेक्टर का मतलब हो गया सर R2 वेक्टर माइनस क्या हो गया, R1 वेक्टर हो गया, बहुत बढ़िया। और इस R12 वेक्टर का अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो हो जाएगा सर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा, और इसी को हम R के बराबर लिखेंगे, इसी मैग्नीट्यूड को हम R के बराबर लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा सर हमारा F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय, दिस इज हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बच्चों यहां पर आपका Q1 इनटू Q2, नीचे ये हो जाएगा बेटा आपका R का क्यूब, ये ऊपर हो जाएगा बेटा आपका R2 वेक्टर माइनस हो जाएगा सर आपका R1 वेक्टर, और नीचे यहां पर R आ जाता है, नीचे यहां पर R आ जाता है। R12 यूनिट वेक्टर का मैंने वैल्यू यहां पर लिख दिया बेटा, ठीक है। R12 यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर खुद डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड बेटा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड इज योर आपका यूनिट वेक्टर। तो यहां पर ये R2 मल्टीप्लाई होकर क्यूब हो जाएंगे बेटा, तो F21 का वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका यहां पर Q1 इनटू Q2 एंड होल डिवाइडेड बाय R का क्यूब, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी R2 वेक्टर माइनस क्या आ रहा है बेटा आपका R1 वेक्टर आ रहा है, R2 वेक्टर माइनस क्या आ रहा है बेटा, R1 वेक्टर आ रहा है। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आई, क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आई, एवरीवन एक बार हार्ड वर्ड ड्रॉ कर देना फटाफट से कि यस भैया वी गॉट द आइडिया, क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या आप समझाना चाह रहे हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या आप समझाना चाह रहे हैं, एम आई राइट एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा यहां पर 2 1 F21, तो यहां पर वेक्टर कौन सा आ रहा है बेटा, R2 में से R1 माइनस हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं लिखूंगा कि अगर मुझे लिखना मान लीजिए R F12 वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे, ये पूरा मसाला सेम रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू मैं यहां पर आपका Q1 इनटू मैं यहां पर आपका Q2, यहां पर नीचे आपका R का क्यूब, फिर यहां पर क्या आएगा बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी कि बाकी सारी चीजें तो सिमिलर है, इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को अगर आप देखो तो बेटा यहां पर R2 माइनस R1 है, यहां पर R1 माइनस R2 है, यानी कि इन दोनों में एक माइनस साइन का रिलेशन है। तो हम ये लिखेंगे कि सर F21 वेक्टर जो होता है वो होता है माइनस ऑफ F12 वेक्टर, ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है ये, क्या करता है सर, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मुझे लगता है कॉपी करके पेस्ट करने के बाद में ना प्रॉब्लम ज्यादा आ रही, एक और बार मैं तो रिप्लाई,
ठीक है, अब हो गया ना, अब हो गया, हाँ प्रॉब्लम रिजॉल्व, कोई बात नहीं, छोटा मोटा लेग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल वेल, अब सब बढ़िया है, जल्दी बताओ, अब सब बढ़िया है, रे वाह, रे वाह, चलो तो यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को, ठीक है, तो हमने कुलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म भी देख लिया बेटा, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और फिर हम करते हैं थोड़े से कुछ यहाँ पर चीजें सवालों वाले बेटा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, हेडिंग डालेंगे सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पर कोई चार्जेस है बहुत सारे, मान लीजिए विसिनिटी में बहुत सारे चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, यहाँ पर Q4, और एक अकेला चार्ज कहीं यहाँ पर मान लीजिए रखा हुआ है Q0, एंड वी वांट कि यार यहाँ पर इस Q0 के ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, तो Q1 भी धक्का देगा, Q2 भी धक्का देगा, Q3 भी धक्का देगा, और Q4 भी धक्का देगा, ठीक है, धक्का देगा या अपनी तरफ खींचेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस बेटा, लाइट चार्जेस है रिपेल करेंगे, अनलाइट चार्जेस है अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, लाइट चार्जेस है रिपेल करेंगे, अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। इस Q1 के ऊपर यहां बहुत सारे चार्ज पार्टिकल का नेट फोर्स लग रहा है, तो अगर आप देखेंगे बेटा कि F नेट कितना होगा, F नेट कितना होगा ओवर दिस Q0, तो आप बोलेंगे सर वो F1 वेक्टर होगा, प्लस वो यहाँ पर F2 वेक्टर होगा, प्लस वो यहाँ पर आपका F3 वेक्टर होगा, प्लस वो यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका F4 वेक्टर होगा, प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आती बेटा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपने गुलाम लोगों के बारे में पढ़ी वो सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर है, सबको समझ में आया, किसी को कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? अब बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी होती, बहुत सारे फेमस क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखो जरा आपको है ना, तो पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल बेटा, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होता है बेटा, हेडिंग डालेंगे सर पोजिशन, क्या सवाल आते हैं सर, पोजिशन ऑफ Q3 थर्ड चार्ज पार्टिकल for its equilibrium. सबसे पहले तो आपको ये समझाते हैं, what do you mean by equilibrium बेटा, equilibrium से आपका तात्पर्य क्या है? मैंने क्या कहा बेटा कि हम लोग सारा कॉन्सेप्ट सारे आज सीख लेंगे, प्रैक्टिस हम कल करेंगे, ठीक है, सुबह 6 बजे, अदरवाइज ये यूनिट ना कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैंने बनाई सारे क्वेश्चंस की स्लाइड जैसा हमेशा निश्चय में करते हैं, ठीक है, तो वो स्लाइड एक्चुअली more than 100 बनी, ठीक है, more than 100 स्लाइड का मतलब है आई हैव टू टेक अ क्लास ऑफ एटलीस्ट 8 आवर्स, जिसका टाइम हमारे पास होता नहीं है उतना मार्जिन, क्योंकि बायो की क्लास भी शुरू होती है, ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इसकी थ्योरी पार्ट आज कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन पार्ट हम कल कंप्लीट कर लेंगे, विल दैट बी ओके बच्चों? एक बात आप सब कर दो फटाफट से, सेशन को लाइक करते जाना यार, लाइक में तुम बड़ी कंजूसी करते रहते हो यार आजकल, ठीक है, हाँ आ जाओ। तो बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब तुम्हारे किसी भी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम में कहते हैं। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब यहां पर आप बोलोगे कि सर जितना फोर्स इधर खींच रहा है उतना ही फोर्स इधर खींचे, तो हम बोलेंगे कि यार अगर F1 बराबर हो जाए किसके, F2 के, F1 क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए F2 के विद अ नेगेटिव साइन, यानी कि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट हो, तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अगर आपके पास दो चार्जेस इस तरह से रखे हो, एक है यहां पर Q1, दूसरा है बेटा यहां पर आपका Q2, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक है Q1 दूसरा है Q2, सेपरेशन इनके बीच की R है, सेपरेशन क्या बेटा, इनके बीच की R है। अब तीसरा चार्ज पार्टिकल कहां रखना है, तो मान लीजिए यहां रखना है, ये डिस्टेंस क्या है बेटा आपकी x है, ये डिस्टेंस क्या बेटा आपकी x है, और हम यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं कि सर जो Q1 है वो छोटा चार्ज है और Q2 जो है वो बड़ा चार्ज है, ये बात ध्यान रखिएगा, Q1 इज बिगर चार्ज एंड Q2 इज छोटा चार्ज, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, मैं हमेशा से जिस तरह से सिखाया हूं, कुछ बच्चे मुझसे पहले से भी पढ़ रखे हैं तो वो बात मेंटेन करते बेटा, हाँ ठीक है, इसे तो सिखाता है, Q1 छोटा है और Q2 आपका बड़ा है, तो अगर आप x की बात करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है बेटा, x is equals to under the root of
अंडर द रूट ऑफ यहाँ पर आएगा आपका क्यू वन, नीचे आएगा बेटा आपका अंडर द रूट ऑफ क्यू टू, ठीक है, प्लस आएगा बेटा अंडर द रूट ऑफ क्यू वन और इनटू में आएगा सेपरेशन आर, इनटू में क्या आएगा बेटा सेपरेशन आर आएगा। ये एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आती है जहां पर क्यू वन क्या है, जहां पर Q1 है आपका छोटा चार्ज बेटा, Q1 is the magnitude of smaller charge and Q2 is the magnitude of larger charge। बहुत जरूरी है ये देखो यहां पर, क्योंकि यहां जो चार्ज आपने रखा है इस चार्ज को क्या करेगा भाई, ये Q1 रिपेल करेगा, ये Q2 रिपेल करेगा, तो हो रहे ना दोनों चार्ज, दोनों फोर्सेस बराबर बेटा, देखो जितना ये धक्का देगा उतना ये धक्का देगा, नेट फोर्स बराबर बनाया जा सकता है। और जब हम सॉल्व करते हैं ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है, तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है, न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ये किसके लिए है, ये है फॉर लाइक चार्जेस, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए बेटा, फॉर लाइक चार्जेस, किसके लिए बेटा, फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब है या तो ये Q1 Q2 दोनों प्लस प्लस हो या फिर ये Q1 Q2 दोनों माइनस माइनस हो बेटा, अदरवाइज ये जो x का फॉर्मूला है, otherwise ये जो x का फॉर्मूला है बेटा, ये x का फॉर्मूला would be x is equals to यहाँ पर बनेगा under the root of q1, नीचे बनेगा बेटा under the root of q2, minus बनेगा बेटा under the root of q1, और into में होगा r। ये वाला जो आप देख रहे हैं this formula is for unlike charges बेटा, ये किसके लिए है, ये है for आपका unlike charges, किसके लिए है दोस्तों, this formula is for unlike charges, समझ में आ रहा है। यहाँ पर Q1 क्या है, Q1 है स्मॉलर चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 क्या है बेटा बड़े चार्ज का मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि कैसे हम बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर तरीके लगाने होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि यहाँ पर चार्ज E है, यहाँ पर आपको किसी ने कहा कि चार्ज क्या है बेटा 4E है, ठीक है, और यहाँ पर D is equals to आपको किसी ने कहा कि 40 सेंटीमीटर है बेटा, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 40 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट आपका क्या हो जाए बेटा, चार्ज Q3 किसमें रहे, इज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज Q3 किसमें रहे बेटा, इज इन इक्विलिब्रियम, वो चार्ज Q3 किसमें होना चाहिए आपका, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसके लिए क्या वैल्यू होगी पोजीशन की बताइए जल्दी से, कम ऑन एवरीवन क्विक, बेटा अगर ये x है ना तो ये वाला तुम्हारा r माइनस x होगा। अब हमने क्या किया, दोनों फोर्सेस को बराबर बराबर किया, टू गेट दिस वैल्यू ऑफ x बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर F1 फोर्स को हम लिखेंगे सर k, हम लिखेंगे q1 इनटू में, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या बेटा q1 इनटू में लिखेंगे बेटा यहाँ पर q3, नीचे लिखेंगे बेटा x का स्क्वायर, और इस तरफ यहाँ पर जो F2 है ना इसका फोर्स लिखेंगे, वो लिखेंगे सर k, यहाँ पर आएगा q2, यहाँ पर आएगा आपका q3, और नीचे यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा r माइनस x का होल स्क्वायर, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझकर चीजों को क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना सीखना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो ये हमारा पर्पस है। एवरीवन, आ रहा आंसर सभी लोगों का, जल्दी से आ रहा आंसर, अरे वाह, प्यार मोहब्बत बेकार की बातें, ठीक है आ जाओ। तो बच्चों अगर x की वैल्यू आप देखो, पहली चीज यहां पर ये कैसा चार्ज है, प्लस है, ये वाला कैसा चार्ज है, प्लस है, क्या दोनों लाइक चार्जेस हैं, क्या दोनों लाइक चार्जेस हैं, पहली चीज ये समझेंगे, ये प्लस e है, ये प्लस का 4e है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, जवाब आया हाँ दोनों लाइक चार्जेस हैं। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पर लिखूंगा फॉर्मूला x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ q1, नीचे क्या लिखूंगा बेटा अंडर द रूट ऑफ q2, प्लस क्या लिखूंगा बेटा अंडर द रूट ऑफ q1, इनटू में क्या लिखूंगा सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस व्हिच इज d, यहां पर r दिया था, यहां पर सेपरेशन d दिया था, उससे क्या फर्क पड़ जाता है, ठीक है भाई। यहां पर q1 क्या होगा, अंडर रूट e होगा, छोटा चार्ज होता है बेटा, यहाँ पर ये क्या होगा बेटा 4e होगा, प्लस लगाकर यहाँ पर e होगा, इनटू में d होगा बेटा, बहुत बढ़िया। रूट e को आपने बाहर लिया, रूट e को आपने बाहर लिया, ये हो गया रूट e, यहां से 4 का बाहर आया, ये हो गया बेटा 2 रूट e, प्लस यहाँ पर क्या हो गया बेटा आपका रूट e, इनटू में हो गया d, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रूट e, यहाँ पर 2 प्लस 1, दिस विल बी यहाँ पर रूट
थ्री रूट ई और ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पर डी, रूट ई कैंसिल हुआ, आंसर आ रहा है सर डी डिवाइडेड बाई थ्री, डी का वैल्यू 40 है, मतलब एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर सर एक्स इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई थ्री, एंड 40 डिवाइडेड बाई थ्री मतलब 13.33 यहाँ पर 33 एक तरह से बोल सकते हो, है ना, 13.39 तो यहाँ पर 13.33 सेंटीमीटर के आसपास विल बी दी करेक्ट आंसर। यस बच्चों आया समझ में सभी लोगों को, 40 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर विल बी दी करेक्ट आंसर। रिमेंबर दिस वन पॉइंट, हमेशा ये जो पोजीशन होगी ये स्मॉलर चार्ज के पास होगी बेटा, कहां पर होगी, स्मॉलर चार्ज के पास होगी, लार्जर चार्ज से दूर होगी, छोटे वाले चार्ज के पास होती है, बड़े वाले चार्ज से दूर होती है, ठीक है। इसी सवाल में एक ट्विस्ट लेकर आते हैं, और ये बोलते बेटा इन द अबव प्रॉब्लम find x if e replaced by माइनस ई, बेटा क्या किया आपने, ई को रिप्लेस कर दिया माइनस ई से, यानी कि यहां पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, यहां पर जो चार्ज है वो तुम्हारा अभी भी पॉजिटिव है, डी अभी भी तुम्हारा सेम है विच इज 40 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे ये पहचान के बताओ कि अगर मैंने सवाल में ये चेंज किया कि ई को मैंने माइनस ई लिखा, व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि सर एक चार्ज मेरा नेगेटिव हो गया, दूसरा चार्ज मेरा पॉजिटिव हो गया। अगर इन माइनस और प्लस को मैं देख रहा हूं तो ये अनलाइक चार्जेस की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं, और इन अनलाइक चार्जेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अनलाइक चार्जेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो आप लिखोगे सर अनलाइक चार्जेस के लिए फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ q1, नीचे क्या होता है बेटा अंडर द रूट ऑफ q2, और यहाँ पर माइनस क्या होगा बेटा अंडर द रूट ऑफ q1 इनटू में लिखेंगे सर सेपरेशन d। कैलकुलेट करते हैं सर, यहां पर हम लिखेंगे e, प्लस माइनस नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखना है बेटा, Q1 और Q2 में आपको मैग्नीट्यूड रखने हैं, नेचर नहीं रखने हैं, मतलब कि प्लस है तो ऐसा नहीं कि प्लस ई लिखना पड़ेगा, और ऐसा है कि अगर माइनस ई दिया तो यहां पर माइनस ई लिखोगे ऐसा बिल्कुल नहीं, केवल नेचर लिखना होता है, सॉरी केवल मैग्नीट्यूड, ई मैग्नीट्यूड है मैंने ई लिखा, यहां पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा आपका 4e हो जाएगा, माइनस आपका रूट ई हो जाएगा इनटू में डी, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पर क्या लिखोगे सर, ये रूट ई रहा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 बाहर आएगा, ठीक है, तो 2 रूट ई हो गया, माइनस यहाँ पर रूट ई हो गया इनटू में डी बाई रूट ई, 2 रूट ई में से एक रूट ई जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, ये रूट ई हो गया, यहाँ पर ये भी आपका क्या रूट ई हो गया इनटू में डी हो गया, रूट ई से रूट ई खत्म, आंसर डी आ रहा है, यहां से मेजर कर रहे हो आंसर डी आ रहा है, मतलब कि एक तो आपका पोजिशन यहाँ डी मतलब यहाँ, डी मतलब यहाँ, क्या ये संभव है बेटा, क्या ये संभव है, तो हम कहेंगे नहीं, D यहां मतलब एक्चुअल में क्या होता है, when it is unlike charges ना, तो it has to be somewhere outside of line joining the charges बेटा, x की वैल्यू यहां पर, यहां आपको q3 रखना पड़ेगा, यहां पर आपको q3 रखना पड़ेगा d डिस्टेंस पर to maintain its equilibrium बेटा, कहां रखना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर पर, कहां रखना पड़ेगा बेटा 40 सेंटीमीटर पर बट इन ऑपोजिट साइड, तो अगर चार्जेस लाइक होते हैं तो पोजीशन आती है समवेयर इन बिटवीन द चार्जेस, और अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो समवेयर आउटसाइड ऑफ द चार्जेस बेटा, बट आउटसाइड ऑफ द चार्जेस में भी इस तरफ क्यों नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो पोजीशन होती है वो हमेशा क्लोजर होगी स्मॉलर चार्ज के, किसके क्लोजर होगी बेटा, स्मॉलर चार्ज के क्लोजर होगी, लार्ज चार्ज से दूर होगी, चमका कि नहीं चमका सभी लोगों को, एवरीवन, अरे यस और नो, हार्ट्स बनाओ जरा चैट सेक्शन में, क्या यहां तक बातें क्लियर हुई बेटा, अगर मैं इधर देखूंगा तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, मैंने इधर बनाया, e से कितनी दूर है 40 सेंटीमीटर पर, 4e से कितनी दूर है बेटा 80 सेंटीमीटर पर, अगर यहां बनाता 40 तो 4e के साथ उसकी सेपरेशन 0 और e से उसकी सेपरेशन 40, तो फिर कहां छोटे चार्ज के पास होना चाहिए, क्या जवाब है बेटा, छोटे चार्ज के पास होना चाहिए, इसलिए अनलाइक चार्जेस के केस में हमेशा छोटे चार्ज के इस तरफ आएगा और लाइक चार्जेस में इस तरफ आएगा, ये बात आपको छोटी सी ध्यान रखनी है, सारा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात करते बच्चों, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे, लेकिन अभी एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने पूछा कि बेटा यहां पर अगर मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज क्यू है और यहां पर इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन मैंने बनाते हुए यहां पर एक चार्ज मैंने रखा,
ये भी चार्ज मेरे पास प्लस क्यू है, ठीक है। दो चार्जेस मैंने लिए सर, एक प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज भी मेरा प्लस क्यू है। पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज क्यू थ्री फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। बेटा क्या पूछा आप लोगों से? आप लोगों से पूछा है पोजीशन, आप लोगों से पूछा है बेटा पोजीशन। या फिर एक काम करते हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। सवाल क्या बेटा? सवाल है पोजीशन ऑफ Q3 फोर इट्स इक्विलिब्रियम। फोर इट्स इक्विलिब्रियम बेटा, चार्ज Q3 के इक्विलिब्रियम के लिए उसकी पोजीशन कहां होनी चाहिए? इफ दिस टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस बेटा एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो यहां पर जरा प्लस चार्ज है, प्लस क्यू है और यहां पर आपको Q3 के लिए पोजीशन पूछा है, ठीक है। जल्दी से जवाब देकर बताइए क्या होगा, है ना? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बिजी हो। पोजीशन दिया हो और अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा हो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम बेटा, तो फिर किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा। फिर किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू बेटा, ठीक है। सेंटर, अरे वाह, कहां पर आएगा बच्चों? एट द सेंटर, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो Q3 का पोजीशन कहां पर आएगा? सेंटर पर आएगा। सेंटर पर आएगा मतलब अगर ये डिस्टेंस ए है तो क्या मैं इस डिस्टेंस को भी ए बोल सकता हूं बेटा? ये डिस्टेंस अगर ए है तो क्या इस डिस्टेंस को भी ए कहा जा सकता है? पहले सवाल का जवाब आप लोगों ने बहुत बखूबी दिया। दूसरा सवाल में यहां पर आप अगर कहें, इजाजत दे तो बना लूं, क्या आप इजाजत दोगे दूसरे सवाल के लिए बेटा? क्या आप इजाजत दोगे दूसरे सवाल के लिए? एवरीवन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। नीट में सवाल आते हैं और ऐसे सवाल अक्सर फिर गलत हो जाया करते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या हो रही है बात, इसको सुनिएगा जरा, ठीक है। आपसे पूछा गया है, फाइन राइट, अगर ये Q3, इफ दिस Q3 डिस्प्लेस्ड बाय Y, ठीक है। यहां पर क्या किया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका भी है, इफ Q3 डिस्प्लेस्ड बाय Y, ठीक है, अलोंग Y एक्सिस, ठीक है बेटा, अलोंग Y एक्सिस, देन आपसे पूछा है, देन नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड नेट फोर्स क्या होगा, सिंपल सवाल है। इस Q3 को क्या किया, उठाकर यहां डिस्प्लेस करके यहां लेकर आ गए। इस Q3 को यहां से उठा के डिस्प्लेस करके यहां लेकर आ गए। यहां लेकर आकर आप बोल रहा है कि अगर Q3 तुम्हारा यहां पड़ा होगा Y डिस्टेंस पर, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? ये कैसा चार्ज है बेटा? प्लस क्यू है। ये कैसा चार्ज है बेटा? प्लस क्यू है। इस Q3 का नेचर आपको नहीं बताया, तो चलो प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, प्लस हो या चाहे माइनस हो बेटा, बस खाली फर्क इस बात का पड़ेगा, अगर कंसीडरिंग इस Q3 को हम क्या करें, इसके दो पॉसिबल चीजें बन सकती बेटा, ठीक है, फोर्स का वैल्यू तो सेम आएगा, लेकिन इस बी के क्वेश्चन में और दो क्वेश्चन बन सकते थे डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ दिस Q3 बेटा। तो अभी हम यहां पर काम करते हैं कि सर अगर ये Q3 मैंने मान लिया प्लस, तो ये क्यू क्या करेगा, इसको धक्का देगा, बोलो हाँ या ना? अरे देगा कि नहीं देगा? धक्का देगा। कितने से धक्का देगा सर? के कैपिटल क्यू स्मॉल Q3 होल डिवाइडेड बाय, पता है आप क्या लिखोगे सर? ये सेपरेशन आर, और इसको यहां पर लिखोगे सर आर का होल स्क्वायर। सिमिलरली बेटा यहां पर ये Q2 ये भी क्या करेगा, ये भी इसको धक्का देगा। कितने से धक्का देगा? सेम टू सेम फोर्स बेटा, के कैपिटल क्यू Q3 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर बेटा। आर यहां पर क्या होगा सर? ये वाला सेपरेशन। इज दैट क्लियर? सबको चमक रहा है? एवरीवन, सबको चमक रहा है? यहां तक बातें अगर क्लियर है तो थम्स अप करते जाना, ठीक है, बहुत तगड़ी बातें बता रहा हूं बेटा। अब अगर आप देखोगे तो सर यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता रही है कि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बताएगी बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बताएगी, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर डाली। अब बच्चों अगर ये वाला एंगल मैंने माना थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपको थीटा मानना पड़ेगा, बोलो ये सुनो, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हुआ। अच्छा, अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हुआ, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा ना? अरे क्योंकि देखो ये साइड तुम्हारी ए है, ये तुम्हारी वाई है, ये एंगल थीटा है, अब ये भी तुम्हारी ए है, ये तुम्हारी वाई है, तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा।
अगर ये थीटा हुआ तो ये भी तुम्हारा थीटा हुआ, ये थीटा हुआ तो ये भी तुम्हारा थीटा हुआ। तो ये जो फोर्स आप देख रहे हो, ये जो फोर्स आप देख रहे हो बेटा यहां पर, इसके कॉम्पोनेंट्स लोगे तो यहां पर इसका एक कॉस कॉम्पोनेंट टूटेगा, इसका भी एक कॉस कॉम्पोनेंट टूटेगा। तो आपको मैं यहां पर बनाकर बता देता हूं बेटा, यहां पर बनाकर बता देता हूं, इस तरफ आएगा एक आपका एफ कॉस थीटा और इस तरफ आएगा आपका बेटा यहां पर दूसरा विच इज ऑल्सो एफ कॉस थीटा, और ये एफ कॉस थीटा और ये एफ कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि सर एक एफ साइन थीटा तो इधर वाले का, एक एफ साइन थीटा इधर वाले का और दूसरा एफ साइन थीटा इसका, तो ये दो एफ साइन थीटा और दोनों के दोनों मेरे ऊपर लग रहे हैं। बोलो हाँ या ना, दो एफ साइन थीटा है और दोनों के दोनों ऊपर लग रहे हैं, राइट बच्चों? वेरी गुड। अब अगर दोनों ऊपर लग रहे हैं तो आप यहां पर नेट फोर्स लिखोगे, और नेट फोर्स क्या लिखोगे सर? नेट फोर्स को लिखा जाएगा 2F और ये हो जाएगा सर साइन थीटा। बहुत बढ़िया, 2 तो एज इट इज रहेगा, F की जगह रिजल्ट आएगा सर KQ स्मॉल Q3 होल डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आएगा बेटा, होल डिवाइडेड बाय रिजल्ट आ जाएगा हमारा आर का स्क्वायर। साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे सर? इस एंगल थीटा के लिए साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेटा, दैट इज वाई डिवाइडेड बाय यहां पर आप लिखेंगे आर। अच्छा आप एक बात जानते हैं कि सर आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर को हम लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। एवरीवन, अरे पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर जो आपका f नेट आ रहा है, इस f नेट की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस टाइम्स ऑफ k कैपिटल q स्मॉल q3 होल डिवाइडेड बाय यहां पर आ रहा है अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा सर, a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहां पर y का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर यहां पर आपका 3 है। देखो जरा ये r स्क्वायर इनटू r, ये r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा और यहां पर इस पूरे की पावर यहां पर आपको 3 लिखनी पड़ेगी इनटू में y। अब जरा ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ आ रही है कि सर f नेट जो है, f नेट बेटा अगर ये चार्ज q3 पॉजिटिव है, देखो बाकी सारी चीजें वैल्यू पॉजिटिव है, ये q पॉजिटिव है, ये k तो आपका कांस्टेंट है, y a ये सब पॉजिटिव है, तो अगर आपका यहां पर q3 कैसा होता बेटा, मोर देन 0। अगर आपका q3 कैसा हुआ बेटा, ध्यान से सुनना, q3 अगर मोर देन 0 हुआ तो आप यहां पर लिखोगे सर जो f नेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर n है, मतलब कि नेट फोर्स तुम्हारा ऊपर की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा, अलोंग डिस्प्लेसमेंट। कहां लग रहा है? अलोंग डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया उसी तरफ नेट फोर्स लग रहा है। यहां लाकर छोड़ोगे पार्टिकल नीचे नहीं आएगा और ऊपर 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 इन द एयर, यस और नो? अरे समझ रहे हो क्या होगा बेटा, पार्टिकल को यहां से उठाए, यहां से उठाए, यहां लाए, यहां लाए, यहां लाए, यहां लाए, यहां लाए, यहां लाके छोड़ा, यहां लाके छोड़ा तो नीचे नहीं आएगा और ज्यादा ऊपर 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 इन द एयर ऊपर चला जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है तो हम बोलेंगे यहां पर ये होगा बेटा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा कैसा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? ऐसे सवाल आते हैं खाली थ्योरेटिकली, पता लगाइए इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि नहीं। तो जब भी कभी किसी चार्ज पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस अगर करते हो और अगर नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही आ जाए तो बेटा स्टेबल नहीं अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस Q3 का वैल्यू लेस देन जीरो होता, लेस देन जीरो होता बेटा तो यहां पर नेगेटिव साइन आता और नेगेटिव साइन के आने से, अरे क्योंकि अगर ये माइनस होता ना तो ये Q इसको खींचता, ये Q इसको खींचता तो नेट फोर्स नीचे लगता। तो उस कंडीशन में आप लिखते, उस कंडीशन में आप लिखते कि बॉस जो हमारा एफ नेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई टू द पावर एन आता, यानी कि ये जो नेट फोर्स है ना ये आता बेटा ऑपोजिट। ये कैसा आता तुम्हारा? ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। बट वैल्यू तो यही आती, अरे फोर्स की वैल्यू तो यही आती। क्या बच्चों? फोर्स की वैल्यू यही आती, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, फोर्स की वैल्यू तो यही आनी थी। और अगर इस फोर्स की वैल्यू को हम देखें तो ये y के साथ कैसा है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन y की पावर कुछ भी हो सकती है बेटा। देखो क्योंकि यहां पर नीचे भी y स्क्वायर है, ऊपर y है, तो हम बोलेंगे कि सर ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा होगा सर? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। पहली चीज, पार्टिकल क्या करेगा? तो आप लिखेंगे सर पार्टिकल जो है, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा
क्या करेगा बेटा, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा बट नॉट SHM. पार्टिकल ऑसिलेट तो करेगा लेकिन SHM नहीं करेगा. पार्टिकल यहां पर ऐसा करेगा बेटा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन सिंपल हार्मोनिकली नहीं होगा. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए थी? अगर इस स्मॉल वाई का वैल्यू वेरी 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 लेसर एज कंपेयर टू ए हो जाए, तो उस कंडीशन में बच्चों तुम्हारा एफ नेट का जो वैल्यू आता, फिर वो वैल्यू केवल ऐसा आ जाता, 2k कैपिटल क्यू क्यू थ्री होल डिवाइडेड बाय, आप यहां पर लिखते बेटा a का क्यूब और इनटू में केवल y बचता. मतलब फिर आप यहां पर देखते तो सर f नेट क्या आता आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ये है कंडीशन ऑफ SHM. अगर ये शर्त लागू होती तो हम लिखते पार्टिकल ऑसिलेट भी करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी करेगा. पार्टिकल ऑसिलेट भी करेगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी करेगा. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एवरीवन सबको चमका बच्चों, सबको चमका. अब अगर ये SHM कर रहा है तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा. अगर ये SHM कर रहा है तो बताओ टाइम पीरियड क्या हो सकता है बेटा SHM का. तो SHM का टाइम पीरियड लिखा जा सकता है यहाँ पर 2π, आप लिखेंगे अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पर लिखोगे बेटा मास, और यहाँ पर नीचे ना लिखते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट बेटा. यानी कि यहाँ पर आप बस नीचे लिख दीजिए 2k कैपिटल क्यू क्यू थ्री और डिवाइडेड बाई ए क्यूब, और ए क्यूब तुम्हारा ऊपर चला जाएगा. तो ये होगा टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM बेटा. अगर SHM किया तो, अगर SHM किया तो यहाँ पर ये क्या होगा, टाइम पीरियड होगा. ये पता होना चाहिए आप सभी लोगों को. बताइए जल्दी से क्या ये बात समझ में आ रही है? एक एक बालक और बालिका, एक एक बालक और बालिका इन द क्लास, कम ऑन टेल मी प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, लुकिंग एट योर चैट. ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा लॉजिक्स हैं इसमें, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, बट उन्हें समझना जरूरी है. अगर समझ गए तो बात क्लियर हो जाएगी, और नहीं तो फिर वही हमेशा की तरह डाउट्स में पड़ी रहती है कहानी. कितनी आसान चीज है, बस एक बार समझ ली कि नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगर आ जाए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है. नेट फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन वाई के पावर्स क्या रहे हैं, या वाई वेरी वेरी लेस देन दिया है या नहीं दिया है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे केवल ऑसिलेटरी होगा या ऑसिलेटरी के साथ SHM भी करेगा. व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन? एक पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रॉम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दिस इज योर ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन बेटा. यस और नो एवरीवन, सबको चमक गया? अब मैं स्टैंडर्ड केसेस यहां पर लिखता हूं जिनको आपको ध्यान रखना है और सारे काम आपके बन जाएंगे बेटा. ठीक है, तो कुछ स्पेशल चीजें, ठीक है, यहां पर आपको ध्यान से देखना है. अगर ये क्यू है और यहां पर भी अगर ये क्या है बेटा, क्यू है. ठीक है, तो यहां पर जो आपका चार्ज रखा है क्यू थ्री, अगर यहां पर मान लीजिए ये क्यू है, ठीक है, और ये क्यू कैसा है बेटा, पॉजिटिव है. ये क्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है. ध्यान से देखिएगा, मैं अलग अलग केसेस बनाकर लिख देता हूं. एक काम करते हैं, अलग अलग केस बनाकर लिख देते हैं. तो यहां पर केस वन लिखते हैं बेटा, अगर ये क्यू कैसा हुआ, मोर देन जीरो हुआ, मोर देन जीरो हुआ, और यहां पर क्या किया गया बेटा, डिस्प्लेस किया गया कहां पर, अलोंग वाई, तो आप लिखेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा बेटा. कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. अभी हम लोगों ने प्रूव किया. ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर इस क्यू का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, और यहां पर आपने फिर से इसको डिस्प्लेस कहां पर किया, आपने इसको किया डिस्प्लेस अलोंग वाई किया बेटा. ठीक है, डिस्प्लेस अलोंग वाई किया, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कैसा होगा? उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा. मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी होगा. मोशन कैसा होगा बेटा? ऑसिलेटरी होगा. ठीक है, एंड अगर y इज वेरी 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 लेसर देन हो गया, तो आप लिखोगे सर ऑसिलेटरी भी होगा और ऑसिलेटरी के साथ साथ SHM भी होगा. ऑसिलेटरी एंड SHM, इज दैट क्लियर? सबको चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? बट बेटा यहां पर आ जाइए जरा, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, ऑप्शन सी बनाते बेटा. ठीक है, अगर इस q का वैल्यू कैसा होता, मोर देन जीरो, यानी कि ये होता तो पॉजिटिव, लेकिन इसको आपने डिस्प्लेस कहां पर किया बेटा, अलोंग एक्स आपने डिस्प्लेस किया बेटा. डिस्प्लेसमेंट कहां पर किया, ऊपर ना करके इस तरफ किया बेटा, एक्स की तरफ डिस्प्लेस किया. तो ये अगर इधर डिस्प्लेस किया तो ये ज्यादा धक्का देगा, ये कम धक्का देगा, तो ये वापस इधर ही आएगा. तो अगर आपका क्यू मोर देन जीरो है, मोर देन, देखो मतलब अगर ये दोनों प्लस प्लस और ये भी प्लस, ऐसा है कहने का मतलब. ठीक है, कंडीशन समझ रहे हो ना? अरे कंडीशन समझ रहे हो कि नहीं? ये दोनों अगर प्लस प्लस और ये भी प्लस और फिर डिस्प्लेसमेंट एक्स की तरफ,
तो आप यहां पर बोलोगे कैसा होगा, ये कंडीशन बनाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। किसका बनाएगा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का। कैसा होगा मोशन? डेफिनेटली ऑसिलेटरी। कैसा होगा बेटा मोशन? ऑसिलेटरी होगा। लेकिन अगर एक्स का वैल्यू वेरी 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 लेसर देन ए हो जाए तो फिर यहां पर होगा बेटा एसएचएम की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। क्या आप जानते हैं अगर आप इसको एक्स में डिस्प्लेस करते तो एफ नेट कितना आता? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एफ नेट का वैल्यू आता बेटा 4k कैपिटल Q, क्यू यहां पर आता बेटा इनटू में आता है यहां पर आपका x और नीचे आता है यहां पर आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड होल टू द पावर यहां पर आता बेटा आपका 2, ऐसे कुछ वैल्यू निकल कर आती, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गाइज आर गेटिंग, आपके एफ नेट का नहीं आपको याद करना है, रटना नहीं है बेटा, बस पता होना चाहिए conditions की क्या क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर होता कि अगर q का वैल्यू मान लीजिए लेस देन 0 होता और आपने डिस्प्लेस किया होता इसको अलोंग x तो ये अनस्टेबल होता, बस ये पता होना चाहिए कि किस तरह का नेचर है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों नेगेटिव होते, अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो सारी कंडीशन रिवर्स कर, ठीक है। मैंने प्लस प्लस के लिए समझा दी, माइनस माइनस के लिए आप समझ लोगे, एवरीवन मैंने प्लस प्लस के लिए समझा दी, माइनस माइनस के लिए आप समझ लोगे। तो कंडीशंस पता होनी चाहिए कि सर अगर ये दोनों प्लस प्लस से ऊपर डिस्प्लेस किया, माइनस है तो ऑसिलेट करेगा, प्लस है तो अनस्टेबल होगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। दोनों प्लस प्लस है, राइट में धक्का दिया और प्लस है, राइट में धक्का दिया और प्लस है तो ऑसिलेट करेगा, माइनस है तो ऑसिलेट नहीं करेगा, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। यस और नो एवरीवन, इस बात के लिए थम्स अप बताओ कि हाँ सर पूरी स्लाइड हमको समझ में आ गई, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे याद था, मैंने लिख दिया, आपको नहीं याद हो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको नहीं याद हो आपको नहीं लिखना है, ठीक बच्चे हो, आगे बढ़े, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आगे बात करते सर नेक्स्ट, अब यहां पर बात करते बेटा पेंडुलम, ठीक है, क्या आता बेटा चार्ज पेंडुलम वाले सवाल बेटा, ठीक है, चार्ज पेंडुलम, ठीक है। चार्ज्ड पेंडुलम प्रॉब्लम्स, ठीक है, चार्ज्ड पेंडुलम की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें होती हैं। देखो बेटा अगर आपके पास यहाँ पर, और ये सवाल आता है यार नीट में ना पूछ लेते हैं कई बार, देखो नीट में ना पूछ लेते हैं, यहाँ पर आपने सिचुएशन को ऐसे लिया, यहाँ पर आपने देखा कि चलो ठीक है एक आपने लाइन ले ली विच इज कैसी होगी बेटा आपका वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हो गया। अब आपने देखा कि सर यहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसे हमको दिया हुआ था, ठीक है, ऐसे हमको दिए हुए थे दो अलग अलग, इस तरह से हमने पेंडुलम ले लिया बेटा, ठीक है, एक ये यहाँ पर और दूसरा एक ये यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को, एवरीवन यू ऑल कैन सी दिस, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि एक पार्टिकल है मेरे पास जिसका मास m1 है, जिसके पास चार्ज q1 है, वेरी गुड। दूसरा मैंने यहाँ पर देखा एक पार्टिकल का मास m2 है और चार्ज उसका कितना बेटा q2 है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर आपने देखा कि सर ये एंगल थीटा 1 बना रहा है, ये वाला एंगल अगर थीटा 2 बना रहा है क्या सीन होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर सोचो कि आपको चीजें पता चल जाएंगी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का कुछ सेपरेशन होगा, एंड लेट अस सपोज दैट सेपरेशन इज x बेटा, दैट सेपरेशन इज x, एवरीवन सेपरेशन कितना ले लिया हमने, x ले लिया, ठीक है, हाँ जी जल्दी बताओ सेपरेशन कितना लिया बेटा मैंने यहां पर, x ले लिया दोनों पार्टिकल्स के बीच में। अब कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, तो इस m2 के ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स वुड बी कोलंबिक रिपल्शन, वो होगा बेटा k यहां पर q1 into q2 और नीचे हो जाएगा बेटा यहां पर आपके पास क्या x square। यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें एक टेंशन होगा जिसको अपन t2 कहेंगे, अगर ऊपर का एंगल थीटा 2 है तो यहां पर ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों थीटा 2 होगा। इस t2 के दो कॉम्पोनेंट होंगे सर, एक कॉम्पोनेंट होगा आपका t2 का cos of थीटा 2 और एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा बेटा जिसको अपन बोलेंगे सर यहाँ पर t2 का, यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज आपका t2 का cos की जगह साइन आएगा बेटा, t2 का साइन थीटा 2, एवरीवन चमक रहा है सभी लोगों को, ये जो t2 है ना इसके कॉम्पोनेंट्स ले लिए, कॉम्पोनेंट्स ले लिए, एक कॉम्पोनेंट लिया t2 cos थीटा ऊपर, एक कॉम्पोनेंट लिया बेटा t2 sin थीटा इस तरफ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये कॉम्पोनेंट्स लेने के बाद में अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अच्छा एक और बात है सर कि इसका सेल्फ एंड एमजी भी तो नीचे लगेगा ना, इसका सेल्फ एंड एमजी भी तो नीचे लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम अगर ये बॉडी है तो इसका सेल्फ एंड एमजी भी तो नीचे लगेगा। तो कौन कौन से फोर्सेस किस किस चीज को, इक्विलिब्रियम में अगर आप देखोगे तो जितना जितना यहां पर कोलंबिक रिपल्शन लग रहा है,
उतना ही यहाँ पर t2 sin थीटा होगा, तभी तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है बेटा। और जितना t2 cos थीटा ऊपर है बेटा, उतना ही mg नीचे होगा, तभी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर t2, हम यहाँ पर लिखेंगे सर t2, यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, k यहाँ पर q1, यहाँ पर q2 एंड होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, राइट। उसी तरह से हम लिखेंगे दूसरा यहाँ पर t2, ये हो जाएगा आपका cos थीटा 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका m2g। इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो बेटा, जैसे डिवाइड किया t2 से t2 कैंसिल आउट हो गया, sin डिवाइडेड बाय cos बिकम tan theta, तो यहाँ पर आ रहा है tan theta 2 is equals to, ये result आएगा आपका k q1 q2 whole divided by, यहाँ पर value आती बेटा m2g into में क्या आ रहा बेटा x square। ध्यान से सुनेंगे, जैसे ये result आ रहा था वैसे ही यहाँ पर आपका आ जाएगा similarly tan theta 1, similarly tan theta 1, और tan theta 1 को आप क्या लिखेंगे बेटा k, यहाँ पर आएगा q1, यहाँ पर आएगा बेटा q2 and whole divided by this would be m1g और यहाँ पर आएगा आपका x square। दोनों को देखकर कुछ आइडिया लगाना आप लोगों को, ध्यान से देखिए दोनों बातों को आप देख रहे हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है tan थीटा 2 का फॉर्मूला, यहां पर आपको नजर आ रहा है tan थीटा 1 का फॉर्मूला, बाकी सारी चीजें सिमिलर है, केवल मासेस का डिफरेंस है बेटा। देखो यहां पर मास m1 है, यहां पर मास m2 है, तो अगर मैं आपसे कहूं कंडीशन बनाकर बेटा कि अगर मास m1 बड़ा हुआ मास m2 से, तो आप बोलोगे कि सर उस कंडीशन में tan थीटा 1 छोटा होगा tan थीटा 2 से, and hence आप लिखेंगे सर थीटा 1 छोटा होगा थीटा 2 से। साथ ही साथ आप अगर ये देखेंगे बेटा कि m1 का वैल्यू लेस देन हुआ किससे बच्चों m2 से, तो tan थीटा 1 का वैल्यू बड़ा होगा किससे बच्चों tan थीटा 2 से, और वहां पर आप बोलोगे कि सर थीटा 1 का वैल्यू बड़ा होगा थीटा 2 से। ये सवाल आ सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। बच्चों अगर मासेस दोनों बराबर बराबर है, आइडेंटिकल है, m1 is equals to m2 है, तो वहां पर आपके पास रिजल्ट आएगा दोनों tan थीटा बराबर बराबर होंगे, एंड फाइनली tan थीटा का वैल्यू k q1 q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहां पर बेटा, तो आप लिखेंगे सर x स्क्वायर और इनटू में यहां पर कितना हो जाएगा आपका mg हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया, चार्ज्ड पेंडुलम पूरी तरह से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, नोट्स कहां मिलेंगे बेटा, नोट्स आप स्पेशल क्लास खत्म होने के बाद में ठीक है डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है माही सर, अपने टेलीग्राम में जाकर बस आपको सर्च करना है माही सर, वहां दिख जाएगा। ठीक है, करीब जो है 26,000 के आसपास बच्चे हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, यस बच्चों, आगे बढ़े, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, चलो आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कि और क्या कहानी हो सकती है ना, नेक्स्ट कहानी क्या हो सकती है। तो आ जाओ बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे सर नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, और इस पर बेस्ड सवाल आते हैं, बहुत प्यारा जो है यहाँ पर ये आपका पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है समझते हैं इसको जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग लिखेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बात होती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया क्यू, तो इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में ठीक है आसपास आजू बाजू क्या होगा, एक रीजन होगा जिसमें इफ वी आर ब्रिंगिंग एनी टेस्ट चार्ज तो वो एक कोई फोर्स फील करेगा बेटा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए दिस इज द बाउंड्री बेटा, दिस इज द बाउंड्री जिसमें दिस इज द बाउंड्री और रीजन जहां तक इस क्यू का इफेक्ट है बेटा। अगर अभी यहां पर क्यू नॉट है तो हम लिखेंगे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स बेटा, इसको कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्यू नॉट को पास लेकर आ रहे हैं, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, हम यहां लेकर आए, जैसे ही हमने इस क्यू नॉट को यहां लाके रखा इस बाउंड्री पे, हमें यह समझ में आया कि इस क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इस क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का वैल्यू है बेटा K capital Q divide, यहाँ पर Q not divided by क्या R का square, R क्या है यहाँ पर बेटा, इस चार्ज से यहां तक का separation, इस चार्ज से यहां तक का separation, इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ये force F। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली नथिंग बट
फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। चार्ज कौन सा? जिस चार्ज को आपने यहाँ पे रखा है बेटा। तो आप लिखेंगे सर फोर्स की वैल्यू विच इज के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या है सर आपका आर स्क्वायर है और यहाँ पर एक आपके पास क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट आपने कैंसिल आउट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है बेटा के क्यू डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और ये होता है आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में बेटा। किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ आर यूनिट वेक्टर बेटा। जिस डायरेक्शन में आपका आर यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगी। कुल मिलाकर आप ये लिखोगे सर अगर ये कैपिटल क्यू तुम्हारा मोर देन जीरो है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होती है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है डायरेक्टेड अवे। और अगर ये क्यू तुम्हारा कैसा होता है? लेस देन जीरो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैसी होती है बेटा? तुम्हारी डायरेक्टेड टूवर्ड्स होती है। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है, सोर्स अगर तुम्हारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे होगी। सोर्स अगर तुम्हारा नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी टुवर्ड्स डायरेक्टेड होती है। ये छोटी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है? बस इतनी सी बात पर अगर आपने गौर किया चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो क्यू मोर देन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, क्यू लेस देन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा, ठीक है? यहां पर यह फॉर्मूला आता है बेटा is equals to kq divided by r square, very simple logic, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखोगे, ध्यान से सुनना, कभी भी बेटा ऐसा होता है, मान लीजिए अगर आपको कोई प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का, कोई भी वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो राइट साइड डायरेक्टेड है मतलब हम उसको पॉजिटिव लेंगे और इसका प्लॉट हमेशा कहां पर बनेगा बेटा? प्लॉट होगा अबव एक्स एक्सिस बेटा। प्लॉट कहां पर होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है? प्लॉट अबव एक्सिस, इसको एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना चाहिए, ठीक है? यहां पर अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हुई बेटा? लेफ्ट में डायरेक्टेड हुई मतलब फील्ड आपकी नेगेटिव है। फील्ड अगर नेगेटिव है मतलब वो कैसा होगा बेटा? उसका जो प्लॉट होगा वो होगा बिलो। प्लॉट कैसा होगा बेटा? प्लॉट यहां पर हो जाएगा बिलो एक्सिस। एवरीवन, प्लॉट कहां पर होगा बच्चों? प्लॉट बिलो एक्सिस होगा। बोल रहा है क्लास एंड हो जाएगी 5 मिनट में, ऐसे कैसे एंड हो जाएगी भाई? एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है? एक घंटा क्लास हम बढ़ा दिए। कोशिश हमारी पूरी रहेगी बेटा सारा कुछ खत्म करने की। अगर कुछ बच जाएगा तो फिर हम को एक्स्ट्रा क्लास को लगानी पड़ेगी, राइट? जल्दी से। तो अब यहां पर अगर आपने मान लीजिए प्लॉट बनाने की बात करी, ठीक है? यहां पर आपने प्लॉट बनाने की बात करी, ठीक है? और मैं आपको बता भी देता हूं कि प्लॉट कैसे बनाते हैं अपन। मैंने यहां पर लिया कोई चार्ज पार्टिकल बेटा, एंड दैट चार्ज इज चार्ज क्यू बेटा। वो चार्ज मैंने क्या लिया? क्यू लिया। ये क्यू मेरा पॉजिटिव है। यहां पर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां डायरेक्टेड है? राइट साइड है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डायरेक्टेड होगा बेटा? राइट साइड है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डायरेक्टेड होगा बेटा? राइट साइड होगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड मतलब प्लॉट कहां पर होगा? एक्सिस के ऊपर होगा। प्लॉट कहां पर होगा बेटा? एक्सिस के ऊपर होगा। हम प्लॉट भी कर रहे हैं किसका? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज बेटा KQ डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका? आर स्क्वायर होता है। KQ डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों? आर स्क्वायर होता है। अब यहां पर KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अगर है तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर आर अगर बहुत कम तो बच्चों ऐसा है कि R अगर टेंडिंग टू जीरो तो हमको बोलना पड़ेगा ना यार इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इंफिनिटी। और सेम टू सेम अगर R आपका टेंडिंग टू इंफिनिटी बेटा तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वुड बी टेंडिंग टू जीरो, राइट? तो यहां पर R बहुत कम है, यहां पर R बहुत ज्यादा है। तो ये प्लॉट आपको ऐसा देखने को मिलेगा। Am I right, everyone? ये प्लॉट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जब R की वैल्यू बहुत कम है तो फील्ड बहुत ज्यादा है, और जब R की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो फील्ड बहुत कम है, ठीक है? चमका कि नहीं चमका सबको? एवरीवन, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस चैप्टर से ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब इधर आओ, अगर यहां बोलोगे तो फील्ड डायरेक्टेड अवे, अरे प्लस चार्ज है ना, और यहां पर रखा हुआ है, इससे अवे मतलब इधर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब प्लॉट बिलो मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। बोलो हाँ या ना एवरीवन? चमका? यस बच्चों, चमका के लिए चमका। ग्राफ क्लियर हो रहा है? ग्राफ सबको क्लियर हो रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है? यहां तक हमें बात समझ में आ रही है। जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड था
फोर्स में उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है यहां पर आपका F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे सर F वेक्टर यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज पार्टिकल कैन बी रिटन एज Q इनटू में E प्राइम बेटा। अगर ये Q आपका मोर देन 0 हुआ तो ये जो फोर्स है आपका ये कैसा होगा, पैरेलल टू E होगा, और अगर ये Q तुम्हारा लेस देन 0 हुआ तो ये फोर्स कैसा होगा बेटा, एंटी पैरेलल। ये फोर्स कैसा होगा, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों बातें हैं आपके सामने, ठीक है, दोनों बातें हैं आपके सामने। अगर यहां पर किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी बेटा, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स कैसा होगा बेटा, फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या ये बात भी क्लियर हो रही है सभी लोगों को, एवरीवन? बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें समझ में आ गई सभी लोगों को, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, ठीक है। अब हम बात करते सर नेक्स्ट उस कहानी में, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं काम करते हैं कि ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर अलग से ही पढ़ लेंगे, पर ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर अलग से ही पढ़ लेंगे। क्या बता दें, क्योंकि 10 o'clock हो गया, अगर हमें 11 बजे तक क्लास कंप्लीट करनी है तो 1 घंटे में तो पूरे 2 chapters खत्म हो नहीं पाएंगे। सो लेट्स स्प्लिट अप दिस 2 chapters, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्या बोलते हो, जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताइए चैट सेक्शन में, ठीक है। ओके बेटा, रीचा वो हो जाएगा स्पेशल क्लास में, ठीक है, यस सर, ठीक है, चलो। तो अब हमने अभी पढ़ा बेटा फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अभी हमने पढ़ा किसकी वजह से बेटा, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड क्या होती है। अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है बेटा फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम बेटा, ठीक है। तो यहां पर हम डालेंगे बेटा हेडिंग, क्या होगा हमारा हेडिंग होगा फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम। फॉर्मूला याद रखने हैं आप लोगों को बेटा, फॉर्मूलाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फॉर्मूलाज याद नहीं रहे तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम सबसे पहला आता है सर, पहला आता है आपका फाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा बेटा। फाइनाइट वायर मतलब इस तरह का वायर आपको दिया जाए जिसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो बेटा। लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा को हम बोलते हैं बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम कहते हैं बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये बेसिकली होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ बेटा, या फिर इसको अपन लिखेंगे सर dq डिवाइडेड बाय dx या dr, जो भी आप लिखेंगे, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। यहां से कहीं अगर आपने परपेंडिकुलर सेपरेशन डी पर कोई एक पॉइंट लिया पी, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है बेटा, परपेंडिकुलर सेपरेशन डी पर कोई एक पॉइंट है जहां पर हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है बेटा, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये कुछ आपको लाइनें इस तरह से नजर आ रही हैं। ये एंगल आपको दिखना है बेटा, ये एंगल आपको अल्फा दिखाई दे रहा है। यहां पर ये वाला एंगल जब बनेगा यहां पर, तो इस एंगल को हम बोलेंगे कि सर ये वाला एंगल आपको बीटा दिखाई दे रहा है। एवरीवन, अल्फा बीटा दोनों एंगल क्लियर है, अल्फा बीटा दोनों एंगल क्लियर है बेटा। ये पॉइंट पी का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अपर एक्सट्रीम एंड के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, लोअर एक्सट्रीम एंड के साथ एंगल बीटा बना रहा है। यहां पर दो फील्ड आती है बेटा, यहां पर दो फील्ड आती है, एक को हम बोलते हैं ई परपेंडिकुलर और एक को हम कहते हैं बेटा ई पैरेलल। फॉर्मूलाज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, पता होने चाहिए। ई परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है बच्चों यहां पर के लैम्डा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर सेपरेशन डी, यहां पर इनटू में क्या होता है, यहां पर इनटू में होता है आपका साइन अल्फा और प्लस यहां पर होता है बेटा आपका साइन बीटा। वेरी गुड। ई पैरेलल की अगर आप बात करोगे ये होगा सर आपका के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, यहां पर अगर आप देखोगे ये होता है बच्चों कॉस ऑफ बीटा माइनस यहां पर हो जाता है सर कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। कॉस ऑफ बीटा माइनस क्या हो जाता है बच्चों, कॉस ऑफ अल्फा
हो जाता है, cos of beta minus cos of alpha, ये बातें हो जाती है, ठीक है। अच्छा ये कैसा होगा बेटा, ये होगा परपेंडिकुलरली अवे। एक तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये होगा बेटा परपेंडिकुलरली अवे, डायरेक्शन के बारे में परपेंडिकुलरली अवे। अगर लैम्डा तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव है तो, और नहीं तो हो जाएगा सर परपेंडिकुलरली टूवर्ड्स। परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा बेटा, टूवर्ड्स हो जाएगा। अगर तुम्हारा लैम्डा कैसा है बेटा, नेगेटिव है तो, लैम्डा नेगेटिव है तो परपेंडिकुलरली टूवर्ड्स, पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलरली अवे। ये वाला जो है इसको अपन बोलेंगे सर, ये हो जाता हमारा पैरेलली, ये हो जाता बेटा हमारा पैरेलली अवे, ये होगा बेटा पैरेलली आपका अवे। अगर लैम्डा कैसा है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो, और ये हो जाएगा पैरेलली टूवर्ड्स बेटा, ये क्या हो जाएगा पैरेलली टूवर्ड्स। अगर लैम्डा तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव है। कुल मिलाकर एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर सोर्स तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे होती है, और अगर सोर्स तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स होती है। दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स, दैट्स ऑल, खत्म। उतनी सी बात पे सब कुछ खत्म, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो आगे कहानी को बढ़ाते हैं अपन, यहां से बढ़ाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बच्चों यही वायर कैसा हो जाए बेटा, इसमें स्पेशल केस में बात करते हैं। अच्छा एक और चीज यहां पर आपको लिख देते जरा पीछे स्लाइड में आके, यहां पर इस सवाल में, ठीक है, कई बारी होगा कि ये पॉइंट भी ना, ये पॉइंट भी यहां नहीं होगा, ये पॉइंट भी विल बी समवेयर हियर, नॉट इन फ्रंट ऑफ द वायर। अब ध्यान रखना, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज बेटा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आपको एक बात का याद रखना है यहाँ पर कि जो अल्फा है, अगर वो तुम्हारा कैसा है बेटा, अल्फा तुम्हारा क्लॉकवाइज है, अल्फा तुम्हारा क्लॉकवाइज है, और बीटा तुम्हारा कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये सेट है तो हम इनको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और अगर अल्फा तुम्हारा उल्टा हो जाए यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, बीटा अगर तुम्हारा यहाँ पर उल्टा हो जाए यानी कि क्लॉकवाइज हो जाए, तो हम इनको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, बस इतना याद रखना। और जब भी कभी कैलकुलेशन में कहीं रिजल्ट आ जाए माइनस का साइन माइनस थीटा बेटा, मतलब वो माइनस का साइन थीटा हो जाता है, और कहीं रिजल्ट में आ जाए बेटा कॉस ऑफ माइनस थीटा, माने कि वो आ जाता है यहाँ पर आपका प्लस का ही कॉस थीटा। ये दो अलग अलग चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। यस एवरीवन, क्विकली एक ब्रशअप हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, क्विकली सारी चीजें समझ लेंगे, फिर हम कल सुबह क्लास में करेंगे बेटा प्रैक्टिस, ठीक है, कल सुबह क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है वो हमें कल करना पड़ेगा, कल सुबह 8 बजे, ठीक है, एक दिन का हमारा जो है शिफ्टमेंट होगा, क्योंकि वैसे मैंने कई बारी पढ़ा रखा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन शॉट में, लेकिन 6-6.5 घंटे कम से कम लगते हैं, 6-6.5 घंटे कम से कम लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। पहली बारी जब मैंने कोई लॉन्ग सेशन अगर लिया था यूट्यूब पर तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही था, 2020 के एस्पिरेंट्स के लिए लिया था बेटा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा, यहां तक अगर सारी बातें क्लियर हो गई हैं, यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया, तो बच्चों बात यह है कि फाइनाइट वायर के, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं केस वन, इनफाइनाइट वायर किसके लिए बात करेंगे बेटा, इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं, इनफाइनाइट वायर लेते हैं। अगर इनफाइनाइट वायर है तो अल्फा और बीटा तुम्हारे दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, 90-90 हो जाएंगे। दोनों 90-90 हो जाने के केस में जो E परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d हो जाता है, और जो E पैरेलल है उसका वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाता है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, यस और नो एवरीवन। जो आपका वायर इनफाइनाइट हो गया बेटा तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d, जहां पर d आपको मालूम है कि क्या चीज होती है। फिर उसी तरह से हम यहां पर बात करते हैं बेटा सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, किसके लिए बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे सर सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है समझाते हैं बेटा, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब हो जाता है कि वायर आपका इस तरह का होगा, वायर आपका इस तरह का होगा बेटा, ये एंड आपका इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, बट यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस आपका डी है, यहां पर आपका पॉइंट पी होगा, इस जगह पर आप बोलोगे, ये अगर आपका पॉइंट पी है इस जगह पर आप बोलोगे, तो अल्फा का वैल्यू तो आपको 90 डिग्री दिखेगा बेटा, लेकिन बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस कंडीशन में ई परपेंडिकुलर का वैल्यू आता है आपका के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, और ई पैरेलल का वैल्यू भी आता है विच इज ऑल्सो के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी।
दोनों वैल्यूज आती है बेटा, परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी, दोनों एग्जिस्ट करती है अगर सेमी इनफाइनाइट है तो, और अगर इनफाइनाइट है तो फिर अल्फा बीटा दोनों 90-90 हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस बच्चों जल्दी बताओ। सर सेमी सर्कुलर नहीं लिख सकते हैं? नहीं बेटा, सेमी सर्कुलर अभी लिखेंगे वो अलग कहानी होगी, ठीक है, वो हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पर हम लिखेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क, किसकी वजह से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क की वजह से क्या होगा। तो अगर कोई आपके पास चार्ज्ड आर्क है इस तरह का, जिसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कहां पर बेटा, उस चार्ज्ड आर्क के सेंटर पे, कहीं यहां पर बेटा, ठीक है, सेंटर पर कैलकुलेट करनी है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये वाला अपर एंड यहां पर क्या करेगा, ऐसे एंगल बनाएगा, लोअर एंड यहां पर ऐसे एंगल बनाएगा। अपर एंड जो एंगल बनाता है हम इसको बोलेंगे कि सर ये वाला एंगल ना थीटा बाय 2 होगा, और ये वाला एंगल भी ना आपका क्या होगा बेटा, थीटा बाय 2 होगा। दोनों ही एंगल क्या होंगे बेटा, दोनों ही एंगल यहां पर आपके थीटा बाय 2 होंगे, दोनों ही एंगल आपके क्या होंगे बेटा, थीटा बाय 2 होंगे। राइट बच्चों, दोनों ही एंगल क्या होंगे आपके, थीटा बाय 2 होंगे। दिख रहे हैं सभी लोगों को, जल्दी से बताओ। ठीक है, जब कभी कभी तुम्हारी चैट देख कर ना मतलब हंसी आ जाती है यार, कभी कभी तुम्हारी चैट देख कर ना हंसी आ जाती है। ठीक है चलो जल्दी से बताओ, ये थीटा बाई टू, थीटा बाई टू यहां पर थीटा क्या है, थीटा को हम बोलेंगे बेटा, थीटा को हम बोलेंगे एंगल, थीटा को हम बोलेंगे बेटा एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट कहां पर बेटा, एट इट्स सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट इट्स सेंटर। सेंटर पर अगर इसने थीटा एंगल सबटेंड किया है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बेटा सेंटर पर, उसका वैल्यू आता है आर्क की वजह से, व्हिच इज 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय सेपरेशन परपेंडिकुलर, यहां पर रेडियस के बराबर हो जाता है, यहां पर इनटू में होता है बच्चों साइन थीटा बाय 2, वेरी स्पेशल केस बेटा, साइन थीटा बाय 2 होता है। अब अलग अलग इसके केसेस हो जाते हैं बेटा, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि थीटा की वैल्यू को हम कितना कर दे बेटा, थीटा की वैल्यू को हम 2 पाई कर दे, यानी कि हम कंप्लीट रिंग कर दे बेटा, कैसी बात करें, हम कंप्लीट रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या आ जाता है बेटा, सेंटर पर 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर थीटा का वैल्यू क्या रखोगे बेटा, 2 पाई रखोगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन पाई बनेगा और साइन पाई 0 हो जाता है, इससे ईसी का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम यहां पर बात करेंगे सर, अगर थीटा का वैल्यू हमने पाई किया, थीटा का वैल्यू पाई किया मतलब यहां पर बनेगा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो यहां पर ये बन रहा है सेमी सर्कल। अब आ रहा है बेटा केस सेमी सर्कल का, अब आ रहा है कैसा केस बेटा यहां पर सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल के केस में सेमी सर्कल के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है बेटा यहां पर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय कितना बेटा, आर। आपको ये बात हमेशा से मालूम है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लैम्डा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लैम्डा हम ये बोलेंगे कि डायरेक्टेड अवे भी हो सकता है और डायरेक्टेड टूवर्ड्स भी हो सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? डायरेक्टेड अवे और डायरेक्टेड टूवर्ड्स दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पर है, डायरेक्टेड अवे की भी और डायरेक्टेड टूवर्ड्स की भी। तीसरी बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और हो सकती है बेटा, अगर मान लीजिए आपने थीटा की वैल्यू को क्या कर दिया, पाई बाय 2 कर दिया, यानी कि आपने क्वार्टर ऑफ सर्कल कर दिया बेटा, क्या कर दिया आपने, क्वार्टर ऑफ सर्कल कर दिया, यानी कि पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा, उस कंडीशन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर के बराबर आती है, क्योंकि यहां पर साइन पाई बाय 2 मतलब साइन पाई बाय 4 बनेगा, साइन पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 45 मतलब 1/√2, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो √2 के लैम्डा बाय आर आ जाता है। फॉर्मूलास क्लियर है सभी लोगों को? फॉर्मूलास क्लियर है बच्चों? एक एक बालक और बालिका जल्दी से बताएं कि हां भैया फॉर्मूला तो हमको समझ में आ गया, फॉर्मूला तो हमको समझ में आ गया, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक चमक गया? ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से आपको पता लगाना था कि क्या यहां पर वैल्यूज होंगी। अब हम बात करते बच्चों यहां पर, और अब हम बात करते सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, ड्यू टू किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू चार्ज्ड रिंग ऑन ऑन इट्स एक्सिस बेटा, ऑन द पॉइंट इट्स एक्सिस, किसी एक्सियल पॉइंट पर आपको देखना है, कहां पर देखना है बेटा, कहीं किसी एक्सियल पॉइंट पर आपको देखना है कि वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये चार्ज रिंग हो गई आपकी, मान लीजिए चार्ज रिंग हो गई बेटा आपकी, और ये चार्ज रिंग हो जाने के बाद में यहाँ पर सेंटर से ये आपका हो गया उसका एक्सिस बेटा, ठीक है, दिस इज द एक्सिस दैट यू गाइस कैन सी। यहाँ पर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए पॉइंट आपका पी है। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से चार्ज किया गया है, या फिर इसको टोटल चार्ज क्यू दिया गया है, जिस क्यू का वैल्यू डेफिनेटली हम लिखेंगे सर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर। यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर क्या हो गया बेटा, लेंथ हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। तो ये क्यू का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायरेक्टेड होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पर प्लस लिया, इसलिए डायरेक्टेड अवे है। यहाँ पर परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना बेटा, जो लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस है इस रिंग का, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल और केवल अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है बेटा ईपी, वो होता है यहां पर आपका के कैपिटल क्यू, ठीक है, के यहां पर आएगा के कैपिटल क्यू, ये आएगा बेटा आपके पास क्या के क्यू, ये आएगा एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय this value would be x square plus r square whole to the power 3/2। अब आप बोलेंगे सर ये conditions क्या हैं? यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो value है इसी को हम x कहते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो value है इसी को हम r कहते हैं बेटा, radius कहते हैं, ठीक है? तो ये बातें clear हैं, ये formula पता होना चाहिए, this is very much important बेटा and needed also, formula पता होना चाहिए, very much important and very much needed, ठीक है? समझ में आ रही बात सभी लोगों को? अगर आप यहाँ पर conditions की बात करेंगे बेटा, मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया कि सर x की value is very 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 larger than r, उस condition में ये जो तुम्हारा electric field है ना at point P, ये formula तुम्हारा बनेगा बेटा यहाँ पर बस क्या kq divided by x square के बराबर। अब अगर आपने x को यहाँ पर क्या किया tending to infinite किया, तो ये electric field आपका क्या हो जाएगा बेटा, tending to zero हो जाएगा, मतलब कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर रिंग से बहुत दूर चले जाओगे, रिंग के सेंटर से बहुत दूर चले जाओगे, तो रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो एक्स के इनफाइनाइट होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जीरो हो जाता है। ठीक बच्चों, क्लियर कि नहीं क्लियर एवरीवन? डन, यहां तक बात समझ में आ गई हो जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई हो जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात करते हैं, इसी पर बेस्ड देखो एक सवाल बनाते हैं, इसी पर बेस्ड देखो एक सवाल बनाते हैं और आपसे कुछ चर्चा करते हैं इसी सेम पर, ठीक है? बच्चों एक बात बताओ कि यहां पर सवाल यूं बना रहा हूं मैं, ठीक है? एक तो ये थोड़ी देर बाद है ना, इसको पता नहीं क्या बुखार आ जाता है, अपने आप ही जो है डिसाइड करने लग जाता है कि मेरे को ऐसा बनना है शेप, ठीक है? तो यहाँ पर रिंग हमने लिया बेटा, यहाँ पर रिंग हमने लिया, और रिंग के बाद हमने यहाँ पर जो है इसकी एक्सिस भी डिसाइड कर दी कि ये लो भाई एक्सिस भी आपके सामने है, ठीक है? सारी बातें हो गई। हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा था, हमने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा था बेटा, मान लीजिए इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, और यहाँ पर मैंने चार्ज पार्टिकल रखा बेटा माइनस का क्यू, एंड दिस माइनस क्यू चार्ज डिस्प्लेस अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस रिंग बाय द वैल्यू ऑफ 2r बेटा, बाय द वैल्यू ऑफ 2r यहां लाकर छोड़ दिया गया, ठीक है? यहां लाकर छोड़ देगा। सवाल क्या है, ध्यान से सुनो, सवाल ये है कि q वर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग इनिशियली, इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग बाय अ डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू कितना बेटा 2r। नाउ सवाल ये है, दिस चार्ज q विल ऑसिलेट बट नॉट SHM, ऑसिलेट करेगा लेकिन SHM नहीं होगा। दूसरा, ठीक है, this charge Q क्या करेगा, ऑसिलेट भी करेगा, this charge Q ऑसिलेट with SHM, ऑसिलेट भी करेगा और SHM भी करेगा। जल्दी से बताओ, हम
बेटा एक्स स्क्वायर ही होगा क्योंकि ऊपर का एक्स है ना, ये ऊपर का एक्स है ना, वो एक्स एक्स क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा. ऑसिलेट करेगा विद एसएचएम और विदाउट एसएचएम कंडीशन आपके सामने. की कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, की कॉन्सेप्ट है इस बात को ध्यान रखना कि जो एफ होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एक तो ये बात पता होनी चाहिए, एक तो ये बात पता होनी चाहिए. ऑप्शन ए ऑसिलेट करेगा नॉन एसएचएम होगा. वेरी गुड बच्चों, क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है यहां पर, जिसकी वैल्यू है यहां पर ई लिखेंगे आप, और ई को लिखेंगे सर ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा क्यू, यहां पर होगा एक्स, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा बेटा दिस इज योर आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर होगा आपका आर स्क्वायर एंड होल टू द पावर आपके पास आएगा सर 3/2. इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि चार्ज आपका नेगेटिव है, तो फोर्स की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी सर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ये पूरा मसाला एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर कितना बेटा आपका 3/2. बट कंडीशन क्या हो रही है, नेट फोर्स की वैल्यू तो आ रही है और ये वैल्यू आ भी रही है ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर है फोर्स इधर है, तो इसके वैल्यू इज नॉट वेरी वेरी लेसर एज कंपेयर टू आर बेटा. आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा नहीं है एक्स तुम्हारा, अगर आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता तो इस रिंग के सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करता. इज दैट क्लियर बच्चों, ऑसिलेट करने की कंडीशन समझ में आ रही है, अगर इस रिंग के सेंटर से, रिंग के सेंटर से बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस करते तो ये ऑसिलेट करता अबाउट द सेंटर ऑफ दिस रिंग. डन एवरीवन, ठीक है, छोटी सी बात है, समझ में आ गई. चलो अब हम बात करते हैं बेटा फील्ड ड्यू टू डाइपोल. बेटा फील्ड किसकी वजह से सर, फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या चीज होती है, फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या चीज होती है उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हेडिंग डालेंगे सर, फील्ड ड्यू टू, पहले डाइपोल पढ़ा देते हैं, पहले डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होती है हेडिंग डालेंगे, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत लेट करने लग जाता है यार, दो घंटे की क्लास के बाद तो बिल्कुल, दो घंटे की क्लास के बाद तो बिल्कुल लिखने में ही नहीं आता है, ठीक है. यस एवरीवन, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विद विद चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल बट ऑपोजिट इन नेचर. बेटा डाई का मतलब होता है दो पोल, मतलब पोलारिटी, तो यहां पर ये बोलता है कि यार एक है ना, एक आपका ऐसा माइनस का क्यू होना चाहिए और एक आपका ऐसा है ना प्लस का क्यू होना चाहिए, ठीक है, एक आपका माइनस का क्यू और दूसरा आपका ऐसा प्लस का क्यू होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा माइनस का क्यू, दूसरा ऐसा प्लस का क्यू, और यहाँ पर ये सेंटर होना चाहिए, ये सेपरेशन अगर ए है, ये सेपरेशन भी अगर आपका ए है, तो यहाँ पर एक्सिस की तरफ देखो क्या होता है, यहाँ पर सारे फॉर्मूलास में एक साथ एक जगह पर लिख दूंगा बेटा. यहां पर अगर आपने देखा होगा तो सर माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसको अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है. फिर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सर एक एक्सियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट के ऊपर, एक्सियल पॉइंट के ऊपर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी. अगर ये एक्सिस ऑफ डायपोल है तो इस एक्सिस ऑफ डायपोल पर एक पॉइंट दिखेगा जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर होगा बेटा, जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर होगा, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट कि सर आर यहां पर वेरी वेरी लार्जर एज कंपेयर टू ए, यानी कि हम शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है. तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ए, जिसकी वैल्यू होगी 2kp डिवाइडेड बाय यहां पर क्या होता है बच्चों आर का क्यूब होता है, चमका सभी लोगों को 2kp डिवाइडेड बाय आर का क्यूब होता है. ये जो एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा ये कैसी होती है, पैरेलल टू आपका होता है पी बेटा, ये कैसा होता है आपका पैरेलल टू पी होता है, ये बात ध्यान से सुनेगा. EA is parallel to P होगा, कैसा होगा बच्चों, parallel to P होगा. Then parallel to क्या होगा बेटा, parallel to यहाँ पर होगा EA is equals to parallel to P. Parallel to P होता है यानी कि जिस direction में P है उसी direction में आपका electric field होता है. अगर इस direction में अगर minus से plus charge की तरफ आपका यहाँ पर vector directed है तो इसी direction में आपका electric field भी directed होगा. अगर P इस तरफ डायरेक्टेड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ डायरेक्टेड होता, यही सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है. यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा पॉइंट,
यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखेंगे सर ई ऑफ ई, क्या लिखेंगे बेटा ई ऑफ ई, मैग्नीट्यूड उसका हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका केपी डिवाइडेड बाई क्या होगा आर का क्यूब होगा। यहाँ पर जो तुम्हारा ई ऑफ ई है वो होगा बेटा एंटी पैरेलल, क्या होगा बच्चों ई ऑफ ई कैसा होगा तुम्हारा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू व्हाट, एंटी पैरेलल टू पी, डायपोल मोमेंट से एंटी पैरेलल होगा बेटा, डायपोल मोमेंट से एंटी पैरेलल, यानी कि इस तरफ होगा डायरेक्टेड, इस तरफ होगा डायरेक्टेड तुम्हारा अगर डायपोल मोमेंट, तो इस तरफ होगा डायरेक्टेड तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंटी पैरेलल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक बच्चों, डन, समझ आया, मस्त। अब आगे बात करते हैं एक और चीज, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे तो यूजुअली ये सवाल नीट में नहीं आता है, बट फिर भी देखो हमें सारी चीजें कवर करना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर मान लीजिए कोई इस तरह का जनरल पॉइंट हो, इस तरह का अगर कोई क्या हो बेटा जनरल पॉइंट हो विच इज एट अ डिस्टेंस आर, विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल एट एन एंगल थीटा, बेटा कहां पर, एट एन एंगल थीटा, तो आप जानते हैं यहां पर क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होती है कुछ इस तरफ डायरेक्टेड बेटा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे सर Eg इज इक्वल टू, यहां पर ये होगा Eg इज इक्वल टू, और बच्चों इसका वैल्यू होता है Kp, इसका वैल्यू होता है बेटा Kp डिवाइडेड बाय क्या होगा, Kp डिवाइडेड बाय R क्यूब, Kp डिवाइडेड बाय R क्यूब अंडर द रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, जैसा डायपोल अभी आप आज यहां पर पढ़ रहे हैं सेम टू सेम मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे बेटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहां पर ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल आपका अल्फा बोल देते हैं, ये वाला एंगल आपका अल्फा बोल देते हैं, जिसमें एंगल अल्फा और थीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे सर tan अल्फा, बेसिकली ऐसा आएगा सर tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा आता है, 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा आता है, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, क्या यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, क्या यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को, एवरीवन चमका के नहीं चमका जल्दी बताइए, यस क्विकली, अरे वाह, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फॉर्मूलास क्लियर है, इन्हीं पर बेस्ड डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं बेटा, अगली कहानी हम चले और हमने देखा कि सर डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या डलेगी, डायपोल किसमें आ जाए, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन कहां पर आ जाए बेटा यूनिफॉर्म, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही आपने डायपोल को उठाकर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा क्या सीन होगा, ये रहा तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इस तरह से दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बना रहा हूं सभी लोग देखो जरा, ये रही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड और ऐसे बन रही है, यहां पर अगर आप देखोगे मान लीजिए डायपोल को आपने ऐसे रख दिया बेटा, डायपोल को आपने ऐसे रख दिया, यहां पर कौन सा चार्ज है बेटा, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर कौन सा चार्ज है बेटा, यहां पर आप बोलोगे सर प्लस का क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है, वेरी गुड, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अगर आप देखोगे इस तरफ डायरेक्टेड है, प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप बोलेंगे सर यहां पर क्यू इंटू में ई, और इस ई से ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लगेगा जिसको ऊपर बोलेंगे सर क्यू इंटू में ई इस तरफ, वेरी गुड, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप देखोगे सर सिंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए नेट फोर्स जीरो होगा, जितना फोर्स राइट में उतना फोर्स लेफ्ट में बेटा, ये बात ध्यान होनी चाहिए, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होता है ये तुम्हारा डायपोल, अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है जितना फोर्स राइट में लग रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट में लगता है बेटा, तो जितना फोर्स राइट में उतना फोर्स लेफ्ट में, डेफिनेट को क्या कर देगा ये जीरो कर देगा, लेकिन बच्चों यहां पर टाउ जो है वो जीरो नहीं होता है क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ डिफरेंस या कुछ आपको सेपरेशन दिख रहा है, तो ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आ जाती है बेटा यहां पर क्यू ई क्यू ई, और यहां पर ये रिजल्ट आ जाता है बेटा आपका 2a sin थीटा राइट, और यहां पर ये परपेंडिकुलर सेपरेशन हो जाता है, तो दिस टाउ इज इक्वल्स टू फाइनली बिकम्स PE sin थीटा, क्या बन जाता है बेटा आपका PE sin थीटा बन जाता है, और जैसे ये PE sin थीटा बनता है टाउ का वैल्यू
आओ जरा, जैसे टाउ का वैल्यू पी साइन थीटा बनता है, इस टाउ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, दिस कैन बी रिटन एज पी का क्रॉस करेंगे किसके साथ, ई के साथ। वेरी गुड, पी का क्रॉस ई के साथ करेंगे। अब बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई, वर्क डन इन रोटेटिंग, ठीक है, वर्क डन यहाँ पर डब्ल्यू इन रोटेटिंग द कौन सा डायपोल, बेटा वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, तो ये हो जाता है यहाँ पर आपका टाउ डी थीटा से हम बनाएंगे। कहां से कहां तक लेकर चलेंगे, हम थीटा वन से रोटेट करेंगे और हम थीटा टू तक रोटेट करेंगे बेटा। तो यहां से जो W निकल कर आता है वो निकल कर आता है बेटा यहाँ पर PE, वो W क्या निकल कर आता है बेटा, वो W निकल कर आता है PE, यहाँ पर आता है cos of theta, क्या आएगा बेटा cos of theta 1 माइनस यहाँ पर आता है बेटा आपका cos of theta 2। वेरी गुड। और अगर हम यहाँ पर एक बात छोटी सी करेंगे बेटा, ठीक है, कंसिडरिंग थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और इस 90 डिग्री को हम रेफरेंस लेते हैं बेटा, रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, और अगर आपने थीटा 2 को कंसीडर कर लिया, थीटा कोई एनी जनरल पॉइंट, तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है यही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है बेटा, और ये रिजल्ट आता है तुम्हारा यहाँ पर पीई कॉस थीटा। क्या आ जाता है बच्चों, पीई कॉस थीटा आ जाता है, क्या आता है दोस्तों, पीई कॉस थीटा माइनस साइन के साथ आता है, पीई कॉस थीटा माइनस साइन के साथ आता है। थीटा वन इज इक्वल 90 डिग्री, मतलब इस डायपोल को ऐसे कर दो, इस डायपोल को ऐसे कर दो 90 डिग्री पर। तो जैसे इस डायपोल को आपने 90 डिग्री पर अलाइन किया, जैसे इस डायपोल को आपने क्या किया बेटा 90 डिग्री पर अलाइन किया, ये क्या हो जाएगा, यहां पर आप बोलोगे 90 डिग्री पर अलाइन करते से ही कि बॉस थीटा वन का वैल्यू हो चुका है हमारा कितना, तो आप बोलेंगे सर थीटा वन का वैल्यू हो चुका है 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब हम उसमें बोलेंगे कि हमारा ये रेफरेंस है जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर करेंगे। तो सारे फॉर्मूलाज आपके सामने हैं माय डियर फ्रेंड्स, सारे फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो हम बोलेंगे यार साइन थीटा हमारा जीरो हो जाएगा, साइन थीटा जीरो होगा तो हमारा टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन जो हमारा कॉस थीटा है उसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी, तो यू का वैल्यू क्या आता है बेटा माइनस पी आता है। कोई चीज माइनस में मैक्सिमम मतलब मिनिमम है, तो ये कंडीशन आपको बताती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बताती है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बताती है इस पर्टिकुलर डायपोल का, कि ये डायपोल अगर इस तरह से रखा गया है और आपने इसको ऐसे करके छोड़ा तो ये ऐसे 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 करता रहेगा और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। चमक रहा है सभी लोगों को, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होगा, तो वो हो जाएगा सर 2π अंडर द रूट ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय आपका P और इंटू में E होता है। फॉर्मूला है बस याद रखेंगे, फॉर्मूला है बस याद रखेंगे, डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, डेरिवेशन का समय गया हमारा, ठीक है। अगर हमने थीटा की वैल्यू को क्या कर दिया बेटा 180 डिग्री कर दिया, जैसे आपने थीटा का वैल्यू 180 डिग्री किया, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू जीरो आएगा तो भी टॉर्क का वैल्यू जीरो आएगा, और cos of थीटा का वैल्यू क्या आएगा बेटा माइनस वन आएगा, जिसके चलते यहाँ पर PE आएगा तुम्हारा किसका वैल्यू बेटा U का, और ये मैक्सिमम होगा, जब एनर्जी मैक्सिमम तो इक्विलिब्रियम तुम्हारा अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा तुम्हारा अनस्टेबल होगा। तो जब भी कभी तुम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, वी विल बी हैविंग टू सिचुएशंस जिसमें डायपोल इक्विलिब्रियम में होगा, देयर आर टू ओरिएंटेशंस ऑफ डायपोल जिसमें वो इक्विलिब्रियम में होगा, वन इज थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड अदर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मजे की बात यह है कि थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पर डायपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर योर डायपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात क्लियर है बेटा, तो स्टेबल अनस्टेबल समझ में आ रहा है सभी लोगों को, अगर स्टेबल है तो ऑसिलेट कर सकता है फॉर अ स्मॉल एंगल थीटा, और अगर ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, मैंने वो भी लिख दिया है, एक एक चीज मैं आप लोगों के लिए लिखते चले जा रहा हूं बेटा, राइट। क्लास और कितनी देर तक चलेगी, बस बेटा डायपोल हो गया, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट कहानी में, विच इज आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विच इज आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म होने के बाद में गॉस लॉ, उसके बाद में हमारा गॉस लॉ का एप्लीकेशन, एंड देन विल एंड विद द क्लास, ठीक है। है बच्चों, ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज व्हाट वी कॉल बेटा, इसे हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई के साथ, और ये होता है बेटा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा होता है आपका, जहां पर
थीटा होता है बेटा आपका एंगल बिटवीन, जहां पर थीटा होता है बेटा आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड आप यहां पर बोलेंगे सर एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इसी फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं ई और इसको डॉट यहां पर क्या करेंगे बेटा ई डॉट ए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको ई डॉट ए लिखेंगे, ठीक है बच्चों ई डॉट ए लिखेंगे, यहां पर ये हमारा फ्लक्स हो जाता है। अगर मान लीजिए एरिया यूनिफॉर्म नहीं है वेरिएबल है तो फिर इसके लिए हमको फाई को ऐसे लिखना पड़ता है सर, ये हो जाता है आपका ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है ठीक है। अगर यहां पर आपको ऐसा बोला जाए, अगर आपको ऐसा बोला जाए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से सुनिएगा, इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर, इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब थीटा जीरो लेना है। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर, यहां जो गलतियां होती है वो मैं लिख रहा हूं ठीक है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ डायरेक्टेड है तो प्लेन आपका ऐसा होगा, प्लेन अगर आपका ऐसा होगा जिसका एरिया वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड होगा, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होता है ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लेन परपेंडिकुलर है मतलब ए और ई सेम डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू आपको जीरो लेना होता है, 90 नहीं लेना होता है। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं लैंग्वेज में जब क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बात का बेटा ठीक है। तो ये कहानी होती है अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तो हम बोलेंगे सर फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा, उस केस में कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं करेंगी, उस केस में कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं करेंगी बेटा। यहाँ पर ये ए क्या है, ए को हम बोल रहे हैं एरिया वेक्टर, क्या कह रहे हैं बेटा इसको अपन एरिया वेक्टर कह रहे हैं। एरिया वेक्टर के बारे में एक चीज है ठीक है, ऑलवेज कैसा होगा बेटा, ऑलवेज एक तो होगा परपेंडिकुलर, पहली चीज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दूसरी चीज ऑलवेज कैसा होगा बेटा, ऑलवेज होगा डायरेक्टेड अवे, एक तो हमेशा डायरेक्टेड अवे भी होगा और दूसरा हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी होगा। जिस सरफेस पर आपको एरिया वेक्टर लेना है उस सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं लगेगा और हमेशा डायरेक्टेड अवे लगेगा, हमेशा डायरेक्टेड अवे लगेगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए इस तरह का कोई भी इररेगुलर शेप मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ एरिया वेक्टर अगर आप देखोगे परपेंडिकुलरली डायरेक्टेड अवे, यहाँ पर एरिया वेक्टर देखो 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 परपेंडिकुलरली डायरेक्टेड अवे। तो समझ रहे हो ना, एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस, बस ये छोटी सी बात आपने ध्यान रखी आपका काम बहुत आसान हो जाता है ठीक है। फ्लक्स के बारे में एक छोटी सी बात और करते हैं बेटा, फ्लक्स के बारे में एक छोटी सी बात करते हैं। इफ क्लोज्ड बॉडी विदाउट एनक्लोज्ड चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड then flux through that surface or that body is zero beta, flux through that total flux through that body will be zero ठीक है, total flux through that body will be always क्या होगा बेटा zero अगर enclosed charge नहीं है, तो this is very much important बेटा ठीक है। चलिए तो flux समझ में आ गया सभी लोगों को, flux में कहीं कोई परेशानी, flux में कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इधर भी चैट वैट चलती है क्या, दैया बोल रही नो प्रॉब्लम, अरे वाह ठीक है चलो ठीक है हाँ यहाँ पे भी चैट ही चल रहा है ठीक है, क्या चल रहा है इंडिया में, चैट चल रहा है इंडिया में ठीक है। आ जाओ बेटा गॉस लॉ हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस कहते हैं कि कोई भी अगर आपके पास इस तरह का सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज है बेटा ठीक है, ये इस क्लोज्ड सरफेस को पहली चीज हम कहते हैं गॉसियन सरफेस बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं
गोशियन सरफेस, क्या कहते हैं बेटा इसको, गोशियन सरफेस कहते हैं। ये गोशियन सरफेस अगर है तो ये इमेजिनरी सरफेस है, पहली चीज ये भी समझ लीजिए। ये कैसा सरफेस है बेटा, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है। यानी कि अब अगर ये इमेजिनरी सरफेस है तो यहां पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू दिस गोशियन सरफेस वुड बी, हो जाएगा बच्चों क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा बेटा, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इस फ्लक्स को अगर हम देखें तो थोड़ा सा और तरीके से लिखा जा सकता है सर, ये हो जाएगा आपका E dot dA होगा बेटा, और इसी को हम लिखेंगे सर यहाँ पर Q enclosed, summation of Q enclosed, बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं, divided by epsilon naught। इसको थोड़ा सा आप अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका E dA, यहाँ पर हो जाएगा बेटा cos of theta is equals to, ये होगा सर summation of, ये होगा बेटा summation of क्या होगा, Q enclosed divided by epsilon naught। यहां पर ये क्या होगा बेटा, ओनली एनक्लोज्ड चार्जेस, यहां पर हम क्या लिखेंगे सर, ओनली एनक्लोज्ड चार्जेस, केवल और केवल अंदर वाले चार्जेस को ही यहां पर लिया जाता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है ड्यू टू, ये होता है बेटा ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, वेदर दे आर इनसाइड और आउटसाइड डजंट मैटर, ड्यू टू ऑल दी चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड। तो ये फ्लक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। चलो अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर बात करें बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर बात करें क्विक। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर बात करें बेटा, ठीक है, आ जाइए, हेडिंग डालेंगे सर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, हेडिंग डालेंगे सर एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, देखो कैसी राइटिंग आ रही, बिल्कुल कुछ तो भी लिखा रहा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फास्ट, इससे भी ज्यादा फास्ट। इससे ज्यादा फास्ट तो क्या बेटा, मतलब इससे ज्यादा फास्ट तो बस खाली हेडिंग डाल दी, चलो ठीक है, हो गया। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, देखो बेसिकली हमने ये देखा, हमने ये देखा कि सर अगर यहाँ पर गॉस लॉ की बात हम कर रहे हैं तो फॉर्मूला हमारे पास है और उसको हम ये लिखते हैं कि सर ई डी ए, यहाँ पर हमारे पास है सर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर लिखते हैं सर समेशन ऑफ क्यू एनक्लोज्ड, समेशन ऑफ क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ऐसा हो रहा है कि अगर अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मुझे क्यू एनक्लोज्ड पता हो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो मैं क्यू एनक्लोज्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। दो बातें यहाँ पर है, दोनों में से कोई भी बात कैलकुलेट करने के लिए आपको गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी, और उस गॉसियन सरफेस को कैलकुलेट करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट काम बता, पहला कि ये जो मेरा कॉस ऑफ थीटा है इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, इसकी वैल्यू वन कब होगी, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि सर या फिर ये कॉस ऑफ थीटा आपका क्या हो जाए, यहाँ पर जीरो हो जाए, ये कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 होगा। इसलिए व्हाइल सेलेक्टिंग गॉसियन सरफेस मेक श्योर दैट कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स बेटा, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, गॉसियन सरफेस जब हम करते हैं सिलेक्टिंग, सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस शुड बी सच दैट इट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न के साथ वो सिमिलर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर यहां पर आपने एक चार्ज लिया बेटा, इस चार्ज से फील्ड कैसी जाती है, चारों तरफ फैलती है, इस चार्ज से फील्ड चारों तरफ फैलती है, एम आई राइट एवरीवन, लाइक दिस, इस तरह से ऐसे। तो यहां पर अगर चारों तरफ फैल रही है तो फील्ड कैसी होगी बेटा, स्फेरिकल होगी, फील्ड कैसी होगी बेटा, यहाँ पर स्फेरिकल होगी। तो गॉसियन सरफेस भी कैसा होना चाहिए, यहाँ पर गॉसियन सरफेस भी यहाँ पर स्फेरिकल होना चाहिए, गॉसियन सरफेस भी यहाँ पर कैसा होना चाहिए बेटा, स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है, चमका कि नहीं चमका एवरीवन। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न के जैसा ही तुम्हारा गॉसियन सरफेस होना चाहिए, वेरी मच नीडेड बेटा, ठीक है। चलो अब यहां पर कुछ चीजें होती हैं, कुछ फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, व्हेन लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर या फिर शेल और शेल लिखने में नहीं आ रहा ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा क्या होता है, सॉलिड स्फीयर की बात करो चाहे आप यहां पर बात करो सॉलिड स्फीयर की चाहे आप यहां पर बात करो कंडक्टिंग शेल की, बेटा चार्जेस विल बी ओवर द यहां पर सरफेस ओनली। चार्जेस कहां पर होंगे? ओवर द सरफेस, क्योंकि कोई भी अगर कंडक्टर है सारे के सारे कंडक्टर्स पे चार्ज हमेशा कहां पाया जाता है? चार्ज ऑलवेज रिसाइड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बेटा चार्ज हमेशा कहां पर रिसाइड करते हैं? एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर रिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और सारा का सारा चार्ज कहां पर आ गया? इसके सरफेस पर आ गया कुछ इस तरह से। सारा का सारा चार्ज कहां पर आ गया बेटा? इसके सरफेस पर आ गया कुछ इस तरह से। तो जब सारा चार्ज इसके सरफेस पर आ जाएगा, सारा का सारा चार्ज जब ऐसे सरफेस पर आ जाएगा, और ये चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ पर क्यू कहनी है बेटा, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्यू कहनी है, और ये हो जाएगा यहाँ पर रेडियस आपका आर। क्या लिखेंगे आप चीजों को? तो बच्चों अलग अलग फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर। एक्चुअल में एक पॉइंट होगा विच इज इन साइड दिस स्फीयर बेटा, एक होगा सरफेस पर और एक पॉइंट होगा बेटा यहाँ पर आउटसाइड, एक पॉइंट होगा यहाँ से आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर सबसे पहले हमने लिखा बेटा E inside, तो E inside का वैल्यू तो होगा यहाँ पर जीरो, क्योंकि ये कंडक्टर है और किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है बेटा। ये एक सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको पहले मार्क करें। फिर दूसरा, अगर आप बात करेंगे सर ई आउट की, तो ई आउट के बारे में यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू विच इज के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर स्मॉल आर इज मोर देन कैपिटल आर, ये स्मॉल आर होगा। और अगर आपने किया बेटा ई सरफेस, तो आप ई सरफेस को कैसे लिखेंगे सर? के क्यू डिवाइडेड बाय यहां पर आप लिखेंगे सर कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये कैपिटल आर का होल स्क्वायर होगा, एंड दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग द वैल्यू। ठीक है, चमक गया सबको, एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, अगर आप इसका प्लॉट बनाएंगे, आप इसका अगर प्लॉट बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सर इस प्लॉट में सेंटर से लगाकर सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, फिर अचानक से फील्ड मिली और फिर फील्ड ऐसे जीरो की तरफ बढ़ने लगेगी, फिर ऐसे फील्ड क्या करेगी बेटा? यहाँ से ऐसे जीरो की तरफ आगे बढ़ने लगेगी। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस यहाँ पर आपका डिस्टेंस का होल सॉरी डिस्टेंस का ग्राफ बेटा। ठीक है, फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ग्राफ यहां पर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बेटा सेंटर से लगाकर सरफेस तक फील्ड जीरो है, जैसे सरफेस पर पहुंचोगे वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद वो आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हाइपरबोला में वेरी करेगी। ठीक है बच्चों, यस एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब वन लास्ट थिंग विच इज सॉलिड यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर का मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर, सारा का सारा जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। यहां पर क्यू जो होगा वो कैसा होगा बेटा? क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर वॉल्यूम। क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पर होगा बेटा? ओवर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, और वो होगा क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब बेटा, पाई कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, यहां पर भी सेम टू सेम है भाई, वही शेप्स वगैरह लेने हैं आप लोगों को, और कंसिडर करना है कि अगर वॉल्यूम पर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पूरे वॉल्यूम पर अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो यहां से लगाकर यहां तक सरफेस रेडियस हो जाएगी, यहां से लगाकर यहां तक बेटा रेडियस हो जाएगी, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस इज योर रेडियस। ठीक है, यहां पर कहीं आपका छोटा सा एक पॉइंट आर हो सकता है विच इज इनसाइड, और यहां से कहीं कोई पॉइंट आपका बाहर हो सकता है, हमेशा डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर की जाएगी बेटा। तो यहां पर जब आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे सर ई आउट, और जब आप लिखेंगे ई आउट तो रिजल्ट होगा के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर होगा कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रो बेटा।
यहाँ से के का वैल्यू क्यू का रख दिया, के का वैल्यू रख दिया। और अगर आप ई सरफेस की बात करेंगे सर, तो ई सरफेस का रिजल्ट हो जाएगा सर के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा बेटा रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओनली। फिर आएगा बेटा आपका रो इन, और रो इन की अगर आप बात करेंगे ये होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर का क्यूब इंटू में स्मॉल आर होगा, यानी कि हम इसको लिखेंगे सर रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में स्मॉल आर। तो सेंटर से लगाकर सरफेस तक लीनियरली वेरी करता है बेटा, सेंटर से लगाकर सरफेस तक लीनियरली वेरी करता है। फिर एकदम से वैल्यू क्या करने लगती है बेटा, घटने लगती है कुछ इस तरह से। ठीक है, डन बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूलास को एक क्विक रिकैप करा देती है। ठीक है, डन। बहुत लंबा चैप्टर है ये। तो कल हम दूसरे चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना काफी। एक बार फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा, सबको सब कुछ समझ में आया, राइट? ईच वन ऑफ यू जल्दी से, कोई परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, अब देखो ये नीट यूजी के लिए आपका जो 2023 वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। 19th ऑफ मार्च से शुरू हुई थी, 3 एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुके बेटा। अभी जो कमिंग संडे है उस दिन फिर से आप लोगों का एग्जाम है बेटा, तो आपको अपीयर करना है उस एग्जाम में। ठीक है, 9th of April को टेस्ट होने वाला है, यू ऑल शुड बी देयर। इससे आपको रियल एनालिसिस पता चलेगी, यार हमें आता है कि नहीं आता है, हमने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ बाकी है, किन किन चीजों में हमें अभी और काम करना है, तो सारा कुछ यहाँ इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज से आपको पता चलेगा। MS लाइव कोड लगाकर आप एनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी बेटा। ठीक है, क्या कोड लगाना है आपको? MS लाइव कोड लगाना है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो देर आर मल्टीपल बैचेस, शौर्य बैच है, लक्ष्य बैच है, उसके अलावा आपकी ड्रीम असीम टीम की विश्वास बैच है बेटा, विच इज 4, इसके लिए 2024 के लिए जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 14,999। इसमें भी अगर आप MS लाइव कोड लगाओगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पर दो अलग अलग प्राइस क्यों दिख रही है सेम बैच की? ये प्लस का प्राइस है बेटा और ये स्टोर का प्राइस है। इसमें खाली आपको विश्वास बैच मिलेगा, विश्वास बैच के ही सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, विश्वास बैच का ही आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप पूरे प्लेटफॉर्म पर किसी भी बैच में किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, ये फैसिलिटी यहां पर आपके पास आती है। सेम गोज विद आरंभ आल्सो बेटा। तो आरंभ का शुभारंभ होने जा रहा है 12 अप्रैल से। जितने भी बच्चे 2025 वाले हैं दे हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ, राइट अवे बेटा, आज और अभी डिसाइड करें, क्योंकि आगे चलकर प्राइसिंग्स बढ़ने वाले हैं, तो आप अपने लिए बेनिफिट अभी स्कोर कर सकते हैं बेटा, बेनिफिट आप ले सकते हैं कि भाई कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा मैं एक्सेस कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैकलॉग नहीं इकट्ठा होंगे, ये सबसे जरूरी बात है। तो बैकलॉग से बचना है आपको, अगर सेलेक्ट होना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा ये बात। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आज हम लोगों ने थोड़ा सा हमारी जो निश्चय की परंपरा चली आ रही है उससे थोड़ा सा अलग काम किया है। निश्चय की परंपरा में हम हमेशा कॉन्सेप्ट और फिर ढेर सारे सवाल करते हैं। आज मैंने सवाल आपके लिए बाकी रख दिए थे क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी थी, इसे कंप्लीट करना था, एंड दैट इज वाई अब हम इसको करेंगे बेटा। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे कल सुबह 6 बजे। ठीक है, मैं आप लोगों को स्पेशल क्लास शेड्यूल करके और लिंक शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सर्च करना टेलीग्राम में जाकर माही सर, आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना बेटा। ठीक है, वहीं पर मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, विश यू ऑल द बेस्ट।